हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मिड सेशन टेस्ट सीरीज फॉर जेई मेंस पेपर नंबर 7। फर्स्ट जेई मेंस का पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक्स हैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 20 क्वेश्चन इज सिंगल चॉइस एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस इन इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल ग्रिड टाइप। तो चलो वी विल स्टार्ट सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन की होल पावर 1/n। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन दिखने में तो लिमिट का है, बट इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज करना होगा इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि समेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग दी लिमिट या समेशन ऑफ इन्फिनिट सीरीज यूजिंग दी डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब भी इन्फिनिटी सीरीज का आपको समेशन क्या करना है कैलकुलेट, तो अपन यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को। तो देखो उसको करने की थीम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इसमें पावर 1/n है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिमिट को कंसिडर करते हैं एल इक्वल टू समथिंग, फिर उसका टेकिंग लॉग लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट फंक्शन को आप आर अपोन एन और 1/x में क्या करोगे बेटा कन्वर्ट, जिसमें आर अपोन एन को तो एक्स पुट कर देते हैं और 1/x को dx। तो जो समेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में। समेशन को कह सकते हैं कि एलिमेंट्स का जो समेशन है वो रिप्रेजेंट दी इंटीग्रेशन ए टू बी। इंटीग्रेशन का मीनिंग यही है कि वो उन एरियाज के समेशन को क्या करता है रिप्रेजेंट। तो चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको लेट किया L इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर ऑल पावर 1/n। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, देन वी विल गेट log e बेस L इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिट पावर को मल्टीप्लाई, जब लॉग लोगे तो पावर क्या होगी मल्टीप्लाई में, तो ये तो आ गया 1/n। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ लॉग ऑफ फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हो 1.2.3...n अपॉन n की पावर n का मीनिंग n को n टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज n.n.n.... अब देखो क्या करना है अपन को, 1/n को सेपरेट कर सकते हैं अपन, 2 को n से डिवाइड करो, 3 को n से और डॉट 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 n को n से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया बेटा log of e बेस l इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, इसको लिख सकते हैं log of 1/n 2/n, तो जब 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n डॉट 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 n/n, तो log a b c d को लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c अप टू सो ऑन। तो ये आ गया बेटा log 1/n log ऑफ 2/n प्लस डॉट 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 प्लस log ऑफ n/n। तो आपने क्या किया, इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को समेशन की फॉर्मेट में, तो देखो ये इसका समेशन आ गया। तो क्या मेथड है, इसको समेशन की फॉर्मेट में क्या लिखोगे, log ऑफ e बेस l इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फाइनिट 1/n और दिस इज सिग्मा r इक्वल टू 1 से। तो देखो इसको लिख सकते हैं log ऑफ, देखो अपॉन में तो n फिक्स्ड है आपका, r को 1 लोगे तो 1, r को 2 लेने पे 2, नेक्स्ट में r को 3 लेने पे 3, डॉट 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 r को n लेने पे n आ गया। तो इसकी लिमिट क्या होगी, r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू n, यस सर। तो दिस इज r। इतना आने के बाद क्या करते हैं, तो क्या किया अपन ने, लॉग लिया, लॉग के बाद लॉग ए बी सी डी की प्रॉपर्टी और समेशन को अपन किस में लिख सकते हैं, सॉरी प्लस को लिख सकते हैं समेशन में। और ये स्टेप अपन को पता है कि सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन लॉग ऑफ दिस पार्ट, तो आर अपॉन एन को तो पुट करोगे एक्स और 1/x को क्या पुट करते हैं डी एक्स। तो लिख देना इसमें पुट आर अपॉन एन इक्वल टू एक्स कॉमा 1/n इक्वल टू डी एक्स। इसका प्रॉपर डेरिवेशन है कि इस थीम को कैसे लिखा गया, बट अपन को क्वेश्चन को करना है तो डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। तो दिस इज रिमेनिंग पार्ट इज लॉग ऑफ
ई बेस एल इक्वल टू, तो देखो क्या आ गया, वन अपॉन एन तो आ गया डी एक्स और ये आ गया लॉग ऑफ एक्स, और जब सिग्मा को कन्वर्ट करोगे आप तो सिग्मा का मीनिंग क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स वन बाई एन इज डी एक्स, और देखो आर को वन लोगे तो वन अपॉन एन और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो लोअर लिमिट तो क्या होगी जीरो, और जब एन को एन पुट करोगे तो एन बाई एन इज वन, तो ये आ गया, और उसके बाद तो क्या होगा लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, आप रिमेंबर दिस एक्स लॉग एक्स माइनस वन, तो ये आ गया बेटा, इसको इधर लिख देते हैं लॉग ऑफ ई बेस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स माइनस वन लिमिट इज वन से ई, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स लॉग एक्स माइनस वन, और प्रॉपर मेथड क्या है, वन से मल्टीप्लाई करो, वन को सेकंड फंक्शन ऐड करो और लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन, और इसमें आप इंटीग्रेशन वाई पार्ट यूज करोगे, तो अल्टीमेटली क्या गया लॉग ऑफ ई बेस एल इक्वल टू, जब सॉरी ये लिमिट क्या थी जीरो से वन, वन लेने पे लॉग वन जीरो, तो क्या गया जीरो माइनस के वन, और बेटा माइनस जब जीरो पुट करोगे वन पुट करने पे तो क्या गया सॉरी एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, तो वन पुट करने पे जीरो माइनस वन और माइनस जीरो पुट करने पे क्या होगा जीरो लॉग जीरो, तो ये आपको पता होना चाहिए जीरो लॉग जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो उसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो एक्स एल एन एक्स, और ये तो जीरो आ गया, और ये याद रखें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे एक्स लॉग एक्स को सॉल्व करने का मेथड क्या है, आप एक्स को अपॉन में लेके आओ और उसमें एल लॉपिटल रूल यूज करोगे तो वैल्यू जीरो आ जाती है बेटा, तो अल्टीमेटली क्या आ गया लॉग एल इक्वल टू माइनस वन, तो एल इक्वल टू क्या जाएगा वन बाई ई, तो इसका आंसर फिल करना वन अपॉन ई, ठीक है आंसर वन अपॉन ई होगा, तो देखो इसका आंसर मैच करते हैं अपन, तो वन अपॉन ईज इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या होगा बोलो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, आपको एक इंटीग्रेशन गिवन है v, उसको v नेम दिया गया v इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू का मोड डी एक्स, देन वैल्यू ऑफ 96 v अपॉन पाई एज, तो देखो किस टाइप से सोल्व किया गया, थोड़ा केयरफुली सुनो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एक चीज दिखती है अपन को, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर माइनस वन, ये किसका फॉर्मूला बन गया माइनस कॉस 2x का, और मोड के अंदर माइनस को रिमूव कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने इसको क्या किया थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये आ गया v इक्वल टू 1 बाई 2, तो एलसीएम आ गया इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 एक्स मॉड 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन का मीनिंग माइनस कॉस 2x, और मोड होगा तो माइनस को रिमूव कर सकते हैं, आफ्टर दैट क्या करो, ये अपन को पता है जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x मल्टीप्लाई में हो या x किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप x को रिमूव करो, और x को रिमूव करने का ऑप्शन है अप्लाई प्रॉपर्टी 4 किंग रूल, किंग रूल का मीनिंग x इज रिप्लेस बाय a प्लस बी माइनस एक्स, पी फोर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगा x इज रिप्लेस बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, तो आप जब x को रिप्लेस करोगे a प्लस बी माइनस एक्स से तो अल्टीमेटली क्या आ गया देखो v इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई टू, ये आ गया पाई बाई टू माइनस एक्स मॉड ऑफ, देखो उसको सीधा लिख सकते हैं x को जब पाई बाई टू माइनस एक्स लोगे तो 2x कितना आ गया इससे 2x जाएगा पाई माइनस एक्स, तो अल्टीमेटली cos पाई माइनस 2x माइनस cos 2x अगेंस्ट इसको cos 2x लिख सकते हैं क्योंकि मोड के अंदर माइनस को हटा सकते हैं, ये लेट इक्वेशन फर्स्ट, जब भी आप P4 प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं किंग रूल को तो मोस्टली अपन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो देन वी विल गेट 2v इक्वल टू 1 बाई 2 एज इट इज, सॉरी ये 1 बाई 2 था 1 बाई 2 एज इट इज, और रिमेनिंग पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, ऐड करने पे x x कैंसिल, वही मोड cos 2x तो कॉमन आ गया
तो पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल करने पे क्या आ गया पाई बाई टू, तो ये लोग पाई बाई टू को भी अपने मल्टीप्लाई में बाहर ले आते हैं और ये आ गया मोड ऑफ कॉस टू एक्स इज डी एक्स, इस टू से डिवाइड किया तो देन रिमेनिंग पार्ट इज वी इक्वल टू पाई बाई एट जीरो से पाई बाई टू मॉड कॉस टू एक्स इन टू। अब देखो बॉस इसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन है बट सिंपल ऑप्शन ये है, आप इसमें टू एक्स को लेट करो टी, जैसे ही आप टू एक्स को टी पुट करोगे तो डी एक्स तो क्या जाएगा डी टी बाई टू, तो ये आ गया वी इक्वल टू डी एक्स तो क्या आ गया डी टी बाई टू, तो ये तो बन जाएगा पाई बाई सिक्सटीन और लिमिट क्या होगी जीरो से पाई, जीरो पे जीरो और पाई बाई टू पुट करने पे पाई मॉड ऑफ कॉस टी डी टी, ये सर। और अब थोड़ा रिमेंबर दिस, याद रखें जीरो से पाई में साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू भी टू होती है और जीरो से पाई में कॉस एक्स डी एक्स के मोड की वैल्यू भी टू होती है, ये एरिया बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हो कितनी टू, इसकी डायरेक्ट वैल्यू जैसे ही आप टू पुट करोगे तो वॉल्यूम आ गया इसका, सॉरी वी आ गया पाई बाई एट, क्या आ गया बोलो वी इक्वल टू पाई बाई एट, और बी को जब पाई बाई एट लोगे तो पाई से पाई कैंसिल, तो 96 अपॉन 8 इज 12, तो इसका आपको फर्स्ट ऑप्शन फिल करना है, ठीक है चले। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट जीरो से पाई एक्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स इज, इसकी वैल्यू भी अपन को क्या करनी है इवेल्युएट करनी है। तो देखो सेम प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें एक्स इसके मल्टीप्लाई में, तो सीधा क्या करो इसको आई लेट करके पी फोर प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो लिख देते हैं यही कि लेट दिस पार्ट इज आई इक्वल टू, तो अप्लाई किंग रूल, तो पी फोर लगाने पर क्या आ जाएगा आई इक्वल टू अगेन जीरो से पाई और क्या लिखते हैं एक्स इज रिप्लेस बाय ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए का मीनिंग जीरो है बी का मीनिंग पाई है, तो क्या आ गया पाई माइनस एक्स इनटू दिस पार्ट इज एज इट इज, क्यों क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स बट स्क्वायर है तो माइनस रिमूव हो जाएगा उसमें, तो ये ब्रैकेट आ गया आपका एज इट इज। अब क्या करोगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड देन वी विल गेट आई एंड आई इज टू वाई, और जब ऐड करोगे तो एक्स कैंसिल आउट तो पाई आ गया बाहर और इंटीग्रेशन इज अगेन जीरो से पाई साइन ऑफ सॉरी साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एफ कॉस एक्स। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इस क्वेश्चन को करें क्या, तो थोड़ा केयरफुली समझें, अगर ये ऐसे आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर दोनों का थीटा सेम बन जाए या तो बोथ आर साइन एक्स या बोथ आर कॉस एक्स, तो ये क्वेश्चन सिंपल हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया, एक बात को सोचो, इस साइन को कॉस लाना है कॉस को साइन, तो साइन को कॉस में लाने का एक ही ऑप्शन है एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स हो सकता है या पाई बाई टू प्लस एक्स, तो उसके लिए क्या किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखो साइन एक्स का पीरियड टू पाई वट ये स्क्वायर है, ये इसमें फर्स्ट इसमें जो मेन पार्ट है वो क्या है इसका पीरियड आपको देखना है। तो देखो एक तो इससे देख सकते हो आप प्रॉपर्टी जो सिक्स पढ़ी हुई आपने अपर लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी सिक्स क्या कहती है इसमें क्यून बोलते हैं उसको क्यून रोल, जब एक्स को अगेन क्या करो एक्स इज रिप्लेस बाय पाई माइनस, जब लोअर लिमिट जीरो हो और अपर लिमिट टू ए है तो क्या करते हैं एक्स को आप टू ए माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो जब इसको रिप्लेस करोगे तो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, तो ये दिस पार्ट इज डज नॉट चेंज, इसको अगर आप एफ एक्स लेट करते हो तो क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, तो लोअर लिमिट जीरो तो अपन अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं, इसका मतलब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे आप पी सिक्स तो इसमें से टू आगे आ जाएगा तो पाई बाई टू बन जाएगा, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन आ गया आई इक्वल टू इसी में कर देते हैं टू आई कर देते हैं आई टू आई इक्वल टू इसमें से टू आगे लो मल्टीपल तो टू पाई और ये आ गया जीरो से पाई बाई टू दिस पार्ट एज इट इज। दिस लिखने के बाद अब आप अगेन क्या करो अप्लाई प्रॉपर्टी फोर किंग रूल लगा दो उसमें अप्लाई प्रॉपर्टी फोर, इसमें फोर प्रॉपर्टी को अपन वंस अगेन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रॉपर्टी फोर को अप्लाई करोगे बेटा तो देखो क्या जाएगा साइन स्क्वायर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये आ गया टू आई और टू आई तो क्या हो गया फोर आई, हाँ या फिर एक छोटा सॉरी इसको करना है ना अपन को
इसमें अप्लाई करोगे आप, एक काम करो 2 से 2 कैंसिल आउट करो, तो देन रिमेनिंग पार्ट इज आई इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर कोस एक्स एंड डी एक्स। इसमें अप्लाई करोगे पी फोर प्रॉपर्टी, तो क्या आ गया देखो, अगेन आई इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब आप क्या करो, इन बहुत इक्वेशंस को ऐड करो, तो देन आई एंड आई टू वाई, तो क्या आ गया बोलो 2y इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2। देखो साइन स्क्वायर साइन एक्स साइन स्क्वायर साइन एक्स कोस स्क्वायर साइन एक्स दोनों का थीटा सेम, तो दिस पार्ट वन, और कोस स्क्वायर कोस एक्स और साइन स्क्वायर कोस एक्स इज अगेन वन, तो वन एंड वन क्या आ गया 2dx, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2, तो ये आ गया आई इक्वल टू ये 2 तो आ गया 2 पाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो पाई बाई 2, तो 2y इक्वल टू दिस पार्ट आ गया 2 से 2 कैंसिल, तो देन ये आ गया पाई स्क्वायर बाई 2। तो इसका बेटा आपको सेकेंड ऑप्शन फिल करना है, क्या करना है बोलो सेकेंड ऑप्शन फिल करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें प्रॉपर्टी 4 और 6 को मैनी टाइम्स यूज करना आपको, ठीक। चले देखो फोर्थ क्वेश्चन, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन गिवन है 0 से 1000 e की पावर x माइनस स्टेप x, वेयर स्टेप डिनोट दी जी आई फंक्शन। तो क्या करेंगे देखो, आप x माइनस स्टेप x को लिख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और अपन को पता है e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड है t वो क्या होगा 1, और अगर इसका पीरियड 1 है तो वी नो दैट, ये अपने प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि 0 से nt fx into dx। तो बेटा अगर fx का पीरियड t है तो आप इस n को मल्टीप्लाई में ला सकते हो, बट ये ध्यान रखें n बिलोंग्स टू इंटीजर नेचुरल नंबर, ठीक है, इसका पीरियड 1 है, तो 1000 को आप मल्टीप्लाई में लागू, तो देन वी विल गेट 1000 इंटू 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और अगेन फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं x माइनस स्टेप x, और बेटा 0 से 1 में स्टेप x की वैल्यू क्या बन जाएगी 0, तो क्या आ गया 0 से 1 e की पावर x dx, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो e की पावर 1 इज e माइनस e की पावर 0 इज 1, तो इसका आंसर होगा 1000 इंटू e माइनस 1, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन क्या करना है फाइंड आउट करना है। डी ओवर डी एक्स इक्वल टू गिवन है आपको साइन वाई प्लस एक्स अपॉन साइन 2y माइनस एक्स कॉस वाई, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, स्पेस की जरूरत पड़ेगी इसमें। देखो dy dx इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स अपॉन साइन 2y माइनस एक्स ऑफ कॉस वाई, तो देखो क्या करना है इसमें बेसिकली, देखो उसको थोड़ा केयरफुली देना, आप साइन 2y को लिख सकते हो 2 साइन y इंटू कॉस वाई, तो बेटा कॉस वाई दोनों में कॉमन आके डी ओवर डी एक्स के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ गया क्वेश्चन कॉस वाई डी ओवाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स अपॉन 2 साइन वाई माइनस एक्स, क्या आ गया साइन वाई प्लस एक्स अपॉन 2 साइन वाई माइनस एक्स, और अब केयरफुली सुनो, जैसे ही आप इसमें पुट करोगे साइन वाई को टी,
साइन वाई को टी लोगे तो इसका डिफरेंशियल क्या गया, कॉस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स, जैसे कॉस वाई इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, तो साइन वाई का कॉस वाई और वाई का डी वाई डी एक्स इक्वल टू दिस इज डी टी वाई डी एक्स। दिस वैल्यू को पुट करोगे तो ये तो आ गया डी टी वाई डी एक्स, और इधर साइन वाई को टी पुट करो तो फाइनल आ गया बेटा डी टी वाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो डी टी वाई डी एक्स इक्वल टू टी प्लस एक्स, टी प्लस एक्स अपॉन टू टी माइनस एक्स। और इसको आप केयरफुली देखोगे तो देखो इसकी डिग्री वन इन दोनों की डिग्री वन, तो इट इज बिकम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो पार्ट थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्स्टिट्यूशन को यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन को जैसे आपने यूज किया तो देन इट इज बिकम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी होमोजीनियस को सॉल्व करना है तो उसका ऑप्शन क्या, अगेन अगेन इसमें लगाओगे सब्स्टिट्यूशन, तो पुट कर देते टी इक्वल टू यू एक्स, टी को यू एक्स सेलेक्ट करोगे तो क्या आ गया, अगेन इसका करो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो देन डी टी वाई डी एक्स इक्वल टू यू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यू को एज इट इज एक्स का वन प्लस एक्स एज इट इज यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डी यू वाई डी एक्स, और दिस पार्ट की वैल्यू को अगेन इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो डी टी वाई डी एक्स को पुट करने पे तो आ गया u प्लस एक्स ऑफ डी यू वाई डी एक्स इक्वल टू ये आ गया यू एक्स प्लस एक्स अपॉन टू यू एक्स माइनस एक्स, तो x तो कॉमन आ गया इसमें, इसको लिखोगे यू एक्स प्लस एक्स अपॉन टू यू एक्स माइनस एक्स, तो x कैंसिल आउट, तो क्या रहेगा बोलो u प्लस वन अपॉन टू यू माइनस वन। अब थोड़ा सा लेंथी पार्ट है पहले, अब हम क्या करेंगे इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करने के बाद दिस पार्ट इज कन्वर्ट इनटू वेरिएबल ऑफ सेपरेशन, ये क्वेश्चन आपका क्या होगा वेरिएबल ऑफ सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या मेथड है, यू को उधर शिफ्ट करो तो देन दिस इज एक्स डी यू वाई डी एक्स इक्वल टू ये आगे यू प्लस वन अपॉन टू यू माइनस वन और माइनस के यू। अब इसमें क्या ले लेते हैं एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो तो ये आ गया x ऑफ डी यू वाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस वन, यू से किया तो दिस इज माइनस के टू यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के यू अपॉन टू यू माइनस वन, तो फाइनली आ गया x ऑफ डी यू वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के टू यू स्क्वायर प्लस के टू यू प्लस वन अपॉन टू यू माइनस वन। अब क्या करना है देखो, डी यू के साथ यू की टर्म और डी एक्स के साथ एक्स की टर्म, तो देखो टू यू माइनस वन को मल्टीप्लाई और इस न्यूमेटर को डिवाइड में, डी एक्स मल्टीप्लाई में और एक्स इसके डिवाइड में, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा ये टू यू माइनस वन, क्या लिखोगे बोलो टू यू माइनस वन इंटू डी यू और अपॉन में आ गया बेटा माइनस के टू यू स्क्वायर प्लस के टू यू प्लस वन इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, और ये लिखने के बाद इस पे दोनों साइड क्या लगा दोगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाने के बाद थोड़ा केयरफुली देखो, अब अपन इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो देखो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमेरेटर में मिल जाएगा आपका, तो क्या लेट करो कि लेट ऑफ देखो कितनी बार सब्स्टिट्यूशन को यूज करना है, माइनस टू यू स्क्वायर प्लस टू यू प्लस वन को आपने कंसिडर किया, टी मत लेट करो पी करो क्योंकि टी अपन ऑलरेडी मान चुके हैं, पी लेट करो तो क्या आ गया माइनस के फोर यू प्लस टू इंटू डी यू इक्वल टू डी पी। तो देखो जैसे ही इसमें से आप माइनस टू कॉमन लोगे तो क्या जाएगा टू यू माइनस वन, माइनस टू को डिवाइड में लेके चले जाओ तो क्या आ गया टू यू माइनस वन डी यू इक्वल टू माइनस के डी पी वाई टू। दिस पार्ट की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं तो इजी क्वेश्चन बन जाएगा, बस ये ध्यान रखें इसमें टी को यू एक्स सेलेक्ट किया इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको बाद में, ठीक है तो उसको हटा देते। तो फाइनली क्वेश्चन आ गया माइनस के वन बाई टू, सुनो आगे आप डी यू इसकी वैल्यू तो क्या पुट करोगे बोलो माइनस के वन बाई टू डी पी
अपॉन वन बाय ऑफ पी और इक्वल टू आ गया लॉग एक्स वन अपॉन एक्स कंडीशन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ सिलेक्ट कर लेते इसको और वन अपॉन पी कंडीशन में क्या होगा लॉग ऑफ पी तो ये आ गया माइनस के हाफ लॉग ऑफ पी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स सी ठीक है। फिर इसमें चाहो तो टू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा या टू से मल्टीप्लाई करने पे आ गया माइनस लॉग पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ एक्स सी आफ्टर दैट माइनस को ऊपर लेके जाओगे तो क्या जाएगा लॉग ऑफ वन बाई पी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर लॉग से लॉग कैंसिल आउट देन दिस इज वन बाय पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ सी स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करोगे आप पी की वैल्यू पुट करो पी की वैल्यू दिस पार्ट तो क्या जाएगा बोलो वन अपॉन माइनस के टू यू स्क्वायर प्लस टू यू प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर और बाद में अपन ने लेट किया था टी इक्वल टू यू एक्स और टी का मीनिंग क्या लेट किया था साइन वाई तो अल्टीमेटली आ गया साइन वाई इक्वल टू यू एक्स तो बेटा इससे यू की वैल्यू पुट कर दो साइन वाई अपॉन एक्स जैसे ही इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। चलो तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा आप देखना करके इसको ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या करना है अपन The differential equation of all parabolas, each of which has lattice rectum for a, आपको all parabolas की क्या लिखनी है differential equation, जिनकी lattice rectum की length 4a है and whose axis are parallel to the x-axis, और उन parabolas की जो axis है वो x-axis के क्या parallel है, तो देखो इसका diagram कैसे रहा होगा, ये let x-axis, let this is y-axis, तो ultimately, चलो अपन roughly देख लेते हैं, फिर उसको दोबारा देखते हैं। ये इसकी एक्स से जो पैराबोला की क्या होगी वो एक्स के पैरल और आपने लेट ये किया इसका वर्टेक्स तो रफली पैराबोला बनेगा इस टाइप का। अगर वर्टेक्स 0-0 हो तो पैराबोला ऐसे लेट करोगे बट जब क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि एक्सिस इज पैरल टू दी एक्स एक्सिस तो अपन को एक नॉर्मली डायग्राम लेट करना है तो क्या करें अपन वर्टेक्स मान लेते हैं लेट अल्फा कोमा बीटा। अगर वर्टेक्स अल्फा कोमा बीटा है और डायग्राम आपका ऐसे है लेफ्ट पैराबोला डाउन पैराबोला तो अपन क्या लिख सकते हैं y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a क्योंकि इसकी लैटिस रेक्टम कितनी है 4a बोला गया मेंशन। अपन पढ़ते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर वर्टेक्स 0-0 तो क्या लेट करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बट आप ऐसे समझो आपने 0-0 को शिफ्ट कर दिया अल्फा कोमा बीटा पे तो x इज रिप्लेस बाय x माइनस अल्फा और y इज रिप्लेस बाय y माइनस बीटा तो ये आ चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अल्फा और बीटा दो अननोन है तो आपको इन टू अननोन को एलिमिनेट करना है तो देन वी विल गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑल पैराबोलाज की क्या है इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज है। अब इस फैमिली ऑफ पैराबोलाज में अल्फा बीटा दो अननोन है इनको जैसे आप एलिमिनेट करोगे तो देन वी विल गेट करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन और अपन को पता है कि जितने आर्बिट्री असेंशियल आर्बिट्री क्या हो कॉन्स्टेंट उसकी उतनी ही डिग्री होगी तो ये तो फाइनल हो चुका है कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी डिग्री तो टू आने वाली है बट अपन को उसका ऑर्डर चेक करना है तो ऑर्डर चेक करने के लिए तो आपको इसकी एक जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसका ऑप्शन क्या है जब इसका ऑर्डर टू है इसमें टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो इसका ऑर्डर टू है तो आप इसको टू टाइम्स क्या करोगे डिफरेंशिएट तो फर्स्ट टाइम करने पे क्या होगा पहले टू को मल्टीप्लाई तो टू वाई माइनस बीटा और वाई माइनस बीटा का डिफरेंशियल क्या होगा डी ओवर डी एक्स इक्वल टू फोर ए एक्स का वन अल्फा का जीरो तो अल्टीमेटली क्या आ गया फोर ए आ गया तो इससे आ गया वाई माइनस बीटा डी वाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। अब एक बार और कर दो तो इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से करोगे तो क्या करें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी वाई डी एक्स का मतलब वाई डबल डेस ऐसे लिख दो शॉर्टकट में प्लस वाई का वाई डेस और बीटा का जीरो तो क्या जाएगा वाई डेस का स्क्वायर इक्वल टू टू ए। इतना आने के बाद आपको इस वाई माइनस बीटा को एलिमिनेट करना है तो वाई माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी टू ए अपॉन वाई वन वाई डेस तो क्या जाएगा 2a y डबल डैश अपॉन y1 प्लस y डैश का स्क्वायर। हाँ एक बार ध्यान रखें 2a का डिफरेंशियल तो क्या हो जाएगा जीरो तो जीरो
वाई डेज को मल्टीप्लाई कर दो तो अल्टीमेटली क्या आ गया बोलो, 2a, ये आ गया 2a वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का क्यूब इक्वल टू जीरो। ये इसकी क्या होगी, करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डबल डैश का मतलब इसका ऑर्डर 2 है, और डिग्री का मीनिंग क्या होगा, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट है उसकी पावर क्या है, 1। तो इसका ऑर्डर तो 1 होगा और डिग्री क्या होगी बेटा, सॉरी ऑर्डर 2 होगा डिग्री 1, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चले उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा आईडीएस को देख के पता चल रहा है कि इसमें अपन को एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखें, द एरिया ऑफ द रीजन दिस पार्ट इन कर्व से बाउंडेड बाय एरिया, आपको क्या करना है फाइंड आउट। तो जब भी अपन को एरिया क्या करना है कैलकुलेट, तो गिवन कर्व को क्या करोगे, एक्स वे प्लेन पे प्लॉट, तो उससे जो रीजन बाउंडेड होगा उसका एरिया क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या गिवन है, एक तो कर्व गिवन है आपको एक्स वाई लेस देन इक्वल टू ए। तो जब भी आपको इनइक्विटी के कर्व को ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, पहले इक्वल टू लेके ड्रॉ करो। तो इसको जब इक्वल टू लोगे तो क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू एट। तो अपन को पता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का जो डायग्राम वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा अपने पास इस टाइप से, ये इसका बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू लेस देन एट। अब देखो, अब अपन को ये चेक करना है कि इसका पोर्शन कौन सा लेना है। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है ये, इसका ओरिजिन जीरो जीरो है। अगर ओरिजिन इस कंडीशन को क्या करता है सेटिस्फाई, तो ओरिजिन वाला पोर्शन, अदरवाइज इसके आउटर वाला पोर्शन। तो देखो जीरो जीरो करने पे क्या गया, जीरो लेस देन एट तो टू है। इसका मीनिंग अपन को इसका इंटीरियर पोर्शन लेना है, क्या लेना बोलो, इंटीरियर पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन आ गया। इतना आने के बाद ये क्या है, वन लेस देन वाई लेस देन एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग तो क्या होगा, वाई की वैल्यू वन से ग्रेटर। तो देखो वाई इक्वल टू वन की लाइन इधर होगी, ये तो कौन है लेट वाई इक्वल टू वन, तो वाई इक्वल टू वन से ग्रेटर का पोर्शन ऊपर आ गया। और वाई इक्वल टू एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये तो कर्व है आपका एक्स वाई इक्वल टू एट और वाई इक्वल टू वन, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो क्या होगा, एक्स सॉरी वाई को वन लोगे तो एक्स आ गया एट, तो ये पॉइंट तो आ गया एट कॉमा जीरो, मतलब एट कॉमा वन बोल सकते हो। अगला जो कर्व है वो कौन है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो डायग्राम क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। बट ये देखना है कि वो इसको इंटरसेक्ट कहाँ करता है। तो देखो वाई को वन लोगे तो एक्स ही बना रहा है, इसका मीनिंग ये इस कर्व को इधर कट करेगा। बात को सुनो, सिंपल सा फंडा, ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ होगा। बट ये देखना है कि ये जो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो वाई इक्वल टू वन को पहले कट करता है कि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को फर्स्ट टाइम कट करता है। तो क्या ऑप्शन है, जब आपने y को मान लिया तो x बन आ गया, तो y बन लेने पे x बन आपका कहीं इधर होगा, तो डायग्राम आपका अल्टीमेटली ऐसे पास होगा, ये लो। अब देखो पोर्शन कौन सा लेना अपन को, लाइन से ऊपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नीचे वाला पोर्शन, और ये अपन को पता है y लेस देन एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, पैराबोला का आउटर पोर्शन। और सीधा देख सकते हो, जैसे इधर एक पॉइंट है लेट 8,0, अगर 8,0 इसको क्या कर जाता है सेटिस्फाई, तो इसका मीनिंग पैराबोला के बाहर वाला पोर्शन अदरवाइज इंटीरियर। तो x को 8 लेना है और y को 0, तो 0 लेस देन 64 तो करेक्ट है। इसका मीनिंग क्या होगा, अल्टीमेटली ये आ गया y इक्वल टू 1 से ऊपर वाला पोर्शन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से नीचे वाला पोर्शन, तो ये इसका फाइनल डायग्राम है। ये एरिया अपन को क्या करना है कैलकुलेट। तो देखो इस एरिया को लाने के लिए क्या करेंगे अपन, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता चल जाए, या फिर बेटर ऑप्शन क्या, देखो ये पॉइंट फाइंड आउट करो आप, ये तो y1 है, आप दिस कर्व और दिस कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट y कोऑर्डिनेट। तो क्या करें, एक तो कर्व कौन है आपका एक्स वाई इक्वल टू एट और नेक्स्ट कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको किसकी वैल्यू चाहिए y की। तो एक काम करो x को पुट कर दो, तो y इक्वल टू क्या आ गया, x को 8 अपॉन y, तो दिस इज 64 अपॉन y स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आ गया y को इक्वल टू 64, तो देन y इक्वल टू 4 आ गया, y क्या आ गया बोलो 4 आ गया। तो अब क्या करें, 1 से 4 के बिटवीन दिस कर्व माइनस दिस कर्व का एरिया क्या होगा, बाउंडेड बाय एरिया। तो इसको लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट किसकी है बोलो y की, y इक्वल टू 1 से 4,
तो पहले अपर कर माइनस, तो अपर कर का मतलब रेक्टेंगल हाइपरबोला से x की वैल्यू y dx, लिमिट y की है तो क्या लिखते हैं x dy, तो x की वैल्यू क्या होगी y y 8 माइनस दिस कर्व से x की वैल्यू क्या लिखोगे रूट ऑफ y इंटू dx, सिंपल सॉरी dy, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो एरिया आ गया a, ये सॉरी 8 अपॉन y था, तो 8 एज इट इज 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन ln ऑफ y माइनस रूट y का इंटीग्रेशन y की पावर 3y2 अपॉन 3y2, तो ये आ गया 2y3 और लिमिट इज 1 से 4, तो चलो इसको करते हैं कैलकुलेटर पर, तो देखो क्या आ गया y को 4 लोगे तो ln 4 आ गया, तो ये आ गया 8 ln 4 माइनस k 2y3, y को 4 लेने पे 4 की पावर 3 बाई 2, 4 की पावर का मतलब 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 8, तो आ गया 8 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 1 पे 0 और माइनस के 2 बाई 3, तो अल्टीमेटली आ गया रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू 8 ln 4 माइनस, देखो ये आ गया 16y3 प्लस 2y3, तो माइनस 16y3 प्लस 2y3, तो 3 एलसीएम लोगे तो माइनस 16 प्लस 2 इज माइनस 14y3 माइनस के 14y3, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई ऑप्शन है क्या? इसमें देखो सब कुछ ऑप्शन में log 2 आ रहा है, तो अपन 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो क्या जाएगा 16 log 2 माइनस 14y3, 16 log 2 माइनस 14y3, तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा थर्ड ऑप्शन, ठीक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 इज द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x की पावर 1 बाई 3 प्लस x की पावर 2 बाई 3 एंड द x एक्सिस, आपको इस कर्व और x एक्सिस से बाउंडेड बाय एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखो इसका अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब भी एरिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन कर्व का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखो इसको समझो पहले, इस कर्व को थोड़ा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, ये डायग्राम इसका किस टाइप से रहा होगा, तो देखो इसमें एक बात तो ये पता चल रही है अपन को, समझो पहले x को 0 लेने पे 0 आए गए, 0 के बाद जब x की वैल्यू को पॉजिटिव पुट करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी, मतलब डायग्राम ऐसे ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा, तो इधर तो नो प्रॉब्लम, बट जब आप नेगेटिव में बात करोगे तो थोड़ा केयरफुली सुनो, x को नेगेटिव लोगे तो x की पावर 1 बाई 3 तो नेगेटिव होगा, लेकिन x की पावर 2 बाई 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर x की पावर 2 बाई 3 की वैल्यू में x को नेगेटिव पुट करने पे इन दोनों में से नेगेटिव पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, एक बार ये देख लो आप, या तो एक ऑप्शन है कि इसका डी वाई डी करो, तो डिफरेंशिएट करने से इसका लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम पता चल जाएगा, और सीधा ऑप्शन क्या देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू, जब आप इसमें से x की पावर 1 बाई 3 कॉमन लोगे तो रिमेनिंग पार्ट आ गया x की पावर 1 बाई 3 प्लस 1, तो देखो एक तो ये पता चल गया कि ये 0 पे 0 है और ये माइनस 1 पे 0 है, तो एक तो ये फंक्शन 0 पे 0 होगा और एक माइनस 1 पे 0 होगा, मतलब डायग्राम को ऐसे पास होना ही होना है, ठीक है? तो सीधा फंक्शन है ये, दो पॉइंट्स पे 0 होगा, अब लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम कहीं भी हो नो प्रॉब्लम, ये डायग्राम नीचे से आके बाद में ऊपर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि जब x को माइनस इन्फिनिटी लोगे तो माइनस इन्फिनिटी की पावर 1 बाई 3 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी, और ये भी माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी क्या आ गया प्लस इन्फिनिटी, मतलब x को माइनस इन्फिनिटी की तरह जब आप टेंड करोगे तो अगेन y आपका क्या होगा प्लस इन्फिनिटी तक टेंड करेगा, तो इसका एक एग्जैक्ट डायग्राम है, ठीक है? तो ये एरिया अपन से पूछा गया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड x एक्सिस, तो क्या आ गया रिक्वायर्ड एरिया, तो सीधा लिख सकते हो आप रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू, a इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 से 0 y dx और कर्व इज x की पावर 1 by 3 प्लस x की पावर 2 by 3 इनटू dx, तो कर देते हैं इसको इंटीग्रेट, तो a इक्वल टू क्या जाएगा बोलो, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन प्लस 1 कर दो तो 4 by 3 अपॉन में 4 by 3 लोगे तो क्या जाएगा 3 by 4 प्लस दिस इज x की पावर 2 by 3 प्लस 1 इज 5 by 3 और ये आ गया 3 बाई 5 और लिमिट लगा दोगे माइनस 1 से 0, तो देखो 0 पे तो सारा कुछ 0 हो गया, तो इसमें पुट करोगे 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करो माइनस 1 की पावर 4 बाई 3 1 तो कितना आ गया 3 बाई 4
प्लस माइनस वन की पावर फाइव बाई थ्री, माइनस वन की पावर फाइव बाई थ्री क्या होगा माइनस वन, तो ये जाएगा माइनस के थ्री बाई फोर, क्योंकि इवन है ये ऑड है, तो माइनस के थ्री बाई फाइव। अल्टीमेटली थ्री तो कॉमन आ गया इसमें, तो एरिया आ गया ए इक्वल टू माइनस थ्री बाहर आ गया, ये आ गया वन बाई फोर माइनस के वन बाई फाइव, फाइव इधर फोर इधर, तो क्या जाएगा वन बाई ट्वेंटी, तो माइनस के थ्री बाई ट्वेंटी आ गया। क्या आ गया माइनस के थ्री बाई ट्वेंटी। अभी नेगेटिव क्यों आ गया, तो इसीलिए नेगेटिव आ गया क्योंकि जो एरिया बाउंडेड बाय है वो नेगेटिव वाई के रिगार्डिंग है, तो अपन को पता है कि नेगेटिव एरिया है, तो या तो चाहो तो देखो ना माइनस वन से जीरो में जब एक्स को पुट करोगे तो वाई नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव एरिया है, तो आप स्टार्टिंग में चाहो तो मोड लगा सकते हो। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा माइनस थ्री बाई टू का मोड, तो थ्री बाई टू आंसर है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है चले हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरिया का है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझो द एरिया ऑफ द रीजन प्लेन बाउंडेड बाय मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू वन। मॉड एक्स मॉड वाई का जो मैक्सिमम पार्ट है उसको लेना है और एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हाफ। तो देखो इसके डायग्राम को अगेन अपन ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। समझो उसको एक बार, देखो पहले इसका मीनिंग समझो कि इसका मीनिंग क्या होगा। इसमें दो ऑप्शन है मॉड एक्स, इसमें दो केस लेट करोगे। अगर आपने बोला कि लेट आप, क्योंकि अपन को मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई का जो मैक्सिमम है उसको लेफ्ट में कंसिडर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो कि इफ मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई। आपने बोल दिया कि सर मॉड एक्स और मॉड वाई में मॉड वाई ग्रेटर है, तो इससे तो क्या गया इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा मॉड वाई, तो मॉड वाई लेस देन इज वन। तो मॉड वाई लेस देन वन का मीनिंग क्या होगा माइनस वन से वन, वाई वन वाई माइनस वन इसके बिटवीन। जब रिवर्स करोगे अगले में क्या लिखोगे मॉड एक्स ग्रेटर देन इज मॉड वाई, तो अगला क्या आ जाएगा इस बार दोनों का मैक्सिमम क्या लिखोगे मॉड एक्स, तो क्या आ गया मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, तो मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन वन, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, तो ये आ गया। तो इन सबसे बाउंडेड बाई एरिया आ गया दिस पार्ट, और ये क्या बन गया एक स्क्वायर बन गया, ये वन है ये भी वन है ये वन और ये वन, मतलब ये वन एंड वन टू और ये भी टू, तो इसका एरिया तो आ गया टू इंटू टू फोर, इस स्क्वायर का एरिया क्या आ गया फोर। अपन को रीजन लेना कॉमन, तो इसका तो अंदर वाला पार्ट और इसके डायग्राम को जब ड्रॉ करोगे तो देखो क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू वन क्या एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वही सेम प्रोसीजर, और अगेन इसको जीरो जीरो क्या करता है बोलो सेटिस्फाई। तो जब आप स्क्वायर को बनाओगे तो स्क्वायर कैसे बनेगा ऐसे, तो अपन को करना क्या है स्क्वायर के अंदर वाला पोर्शन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बिटवीन पोर्शन, ये एरिया अपन को क्या करना बोलो कैलकुलेट। तो दिस एरिया को कैलकुलेट करने में देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, मतलब दिस एरिया को अपन को क्या करना अल्टीमेटली कैलकुलेट। देखो क्या करोगे, देखो सिंपल ऑप्शन तो ये कि टोटल एरिया में से अगर अपन इन दोनों एरियाज को क्या कर देते सबट्रैक्ट तो आंसर जाएगा। और ये ध्यान रखें ये दिस डायग्राम बहुत डायग्राम्स आर सिमेट्रिक टू द ओरिजिन, तो जितना एरिया दिस होगा उतना एरिया ये होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो दिस एरिया को करते हैं कैलकुलेट और इसको माइनस कर देंगे अपन, तो इस एरिया को लिखने का व्हाट बेटर ऑप्शन क्या होगा, ये डायग्राम ऐसे था अपना, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट लिख लो और ये तो पॉइंट पता ही है वन, तो ये एरिया क्या होगा अपर कर माइनस लोअर कर, तो लिखते हैं इसको। तो देखो ये पॉइंट लाना है तो एक्स वाई को वन लोगे तो ये आ जाएगा वन वाई टू कॉमा वन, क्योंकि इसमें वाई वन है तो वाई को वन लेने पे एक्स आ गया हाफ, तो इंटीग्रेशन लगा दो दिस एरिया आ गया लेट ए इक्वल टू वन वाई टू से वन, क्या लिखोगे बोलो वन वाई टू से वन अपर कर विज लिमिट एक्स की, तो क्या लिखोगे वाई डी एक्स, तो अपर कर में वाई कितना है वन माइनस लोअर कर में वाई क्या होगा वन वाई एक्स वन वाई टू एक्स सॉरी इन टू डी एक्स, और दिस एरिया बहुत सारे इक्वल, तो उसको टू से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो बहुत एरिया जो आपको एक साथ फाइंड आउट हो जाएंगे, और उसको फोर में से क्या कर देना माइनस, क्योंकि इस स्क्वायर का एरिया कितना बोलो फोर, तो देन ये आ गया एरिया ए इक्वल टू बोलो ट्वाइस ऑफ एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स वन बाई टू और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन ऑफ एक्स, और लिमिट लगाओगे वन बाई टू से वन, तो पुट कर देते हैं टू ब्रैकेट वन पे वन एल एन वन जीरो, तो अल्टीमेटली वन आ गया माइनस लोअर लिमिट पे एक्स हाफ माइनस ये आ गया हाफ लॉग टू माइनस के हाफ लॉग टू लॉग हाफ, तो लॉग हाफ को लिख सकते हैं दिस पार्ट, तो अल्टीमेटली क्या आ गया देखो ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट वन माइनस हाफ इज हाफ माइनस के वन बाई टू इज
ln 2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आ गया 1 माइनस ln ऑफ 2, ये इन दोनों पार्ट का एरिया आ गया। इसको क्या करना है, 4 में से माइनस, तो 4 माइनस क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया 4 माइनस 1 माइनस ऑफ ln ऑफ 2, तो देन वी विल गेट 4 माइनस 1 इज 3 माइनस माइनस प्लस ऑफ ln 2। तो जो अपना ये पार्ट था इसका एरिया क्या होगा, 3 प्लस log ऑफ 2, तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या करना है, क्वेश्चन 10th में अपन को सिंपल एक क्या करना है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे करना है, क्वेश्चन गिवन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x³ - 1/x⁴+1। तो देखो इसको थोड़ा केयरफुली देखोगे आप, अगर आप इसको डायरेक्टली लेट करते हो तो ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। तो देखो इसमें बेसिकली करना क्या अपन को, एक बार इसको लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x³ - 1/x⁴+x। तो देखो अल्टीमेटली क्या करो, इसमें आप x⁴ लो कॉमन, जब आप इसमें x⁴ कॉमन लोगे, या फिर ऐसे समझ सकते हैं इसके मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, तो ये 2 कब आ सकता है, जब अपन x² का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो एक बार ट्राई करते हैं इसमें से x² कॉमन लेने की, जब आप इसमें से x² कॉमन लोगे तो क्या आ गया, देखो 2x³ - 1/x² कॉमन, तो देन वी विल गेट x² + 1/x। और ये क्वेश्चन इसके बाद ये हो सकता है, आफ्टर दैट क्या करो, देखो दिस अपॉन x² एंड 1/x², आप न्यूमेरेटर को x² से क्या करोगे, सेपरेट डिवाइड, तो देन वी विल गेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x / 1/x² + 1/x (dx). अब आप देख पा रहे होंगे जैसे आप इसको टीलेट करोगे तो न्यूमेटर में इसका कौन मिल गया, डिफरेंशिएशन। तो लेट या पुट x² + 1/x = 3, देन x² का डिफरेंशिएशन 2x - 1/x का क्या होगा, माइनस के 1/x² (dx) = dt। तो अल्टीमेटली ये न्यूमेटर वाला पार्ट चला जाएगा आपका dt में। तो क्वेश्चन आ गया i = (dt/t) और 1/t कंडीशन क्या होगा, log ऑफ t, और t की वैल्यू पुट करोगे x² + 1/x, मॉड लगा सकते हैं, और प्लस c का मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो आ गया log ऑफ मॉड ऑफ x³ + 1/x + c। तो ये इसका फाइनल आंसर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि लेट AVA, ये आपका A है, इसको पॉजिटिव लिखना चाहिए, लेट AVA पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट इंटीग्रेशन 0 से A e^(x - step x) dx (tan(e−9), वेयर स्टेप इज द जी आई फंक्शन, देन ए इज इक्वल टू, तो आपको ए की वैल्यू को बताना है। तो इसको देखो केयरफुली समझो कि इस क्वेश्चन को करें कैसे, आपको अपन लेफ्ट पार्ट को लेट करते हैं आई इक्वल टू, क्योंकि अपन को लेफ्ट पार्ट को राइट के इक्वल करना है, तो 0 से ए e^ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x y dx। अब थोड़ा केयरफुली देखो, बाई चांस ए क्वेश्चन में बोला गया पॉजिटिव रियल नंबर, अगर a आपका इंटीजर हो, इफ a बिलोंग्स टू इंटीजर बोल सकते हो और पॉजिटिव इंटीजर बोला गया तो नेचुरल नंबर, तो a अगर आपका नेचुरल नंबर है तो अपन ने पढ़ा हुआ है e^ फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड क्या होगा, 1, तो 0 से at इसका पीरियड अगर 1 है तो अपन a को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, बट जब आप a को मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा, i = a मल्टीप्लाई में आ गया तो लिमिट होगी 0 से 1 e^(x - step x), और 0 से 1 के केस में स्टेप x को 0 पुट करोगे तो अल्टीमेटली क्वेश्चन आ गया e^(x) dx, और सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या होगी, a
ई की पावर एक्स, अपर लिमिट पे ई आ गया और ई की पावर 01। बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इसको, जब आप इस वैल्यू के क्या करोगे इक्वलेंट, तो देन ए की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी, क्योंकि और दूसरी बात ऑप्शन से आप देखो हर ऑप्शन में ए की जो वैल्यू गिवन है उसमें 10 प्लस और 10 माइनस कुछ आ रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसी लेट करनी है, नॉन इंटीजर। क्या लेनी बोलो, नॉन इंटीजर। तो अपन को इसको दूसरे फॉर्मेट से करना है, इसको ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेके बात नहीं बन सकती, तो उसको अगेन देखो अपन सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो फिर देखो इसमें क्या किया गया, इन्होंने लेट किया कि लेट ऑफ, आप क्या करो इसमें, इसमें ए को लेट करो, अपन को ये पता है हर ऑप्शन में 10 प्लस समथिंग है, तो आप ए को लेट करो 10 प्लस लैम्डा। अब आप एक बात समझ सकते हो, ए अगर इंटीजर नहीं है तो ए क्या होगा, 10 पॉइंट समथिंग, कुछ डेसिमल का पार्ट भी होगा, तो आप लिख सकते हैं कि लैम्डा इज लाइज बिटवीन 0 to 1, लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 होगी, ठीक है। तो उसको अपन ने क्या किया, ए अगर आपका नॉन इंटीजर है तो उसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट में अपने कन्वर्ट किया, लिख देते हैं कि इफ ए इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर देन वी कैन इज रिटन एज स्टेप एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो स्टेप एक्स तो क्या लेट करना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 10 लेट करो, अब कोई दिक्कत नहीं है, 10 की जगह मान लो आई प्लस लैम्डा, तो उस फॉर्मेट में भी कर सकते हो, बट उसमें टाइम वेस्ट होगा अपना, तो वेट ऑप्शन क्या है, ए इक्वल टू क्या लेट करोगे 10 प्लस लैम्डा। अब आप इसमें ए की वैल्यू पुट करो, तो देन दिस इज क्या गया क्वेश्चन, देखो आई इक्वल टू 0 से 10 प्लस लैम्डा ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx, और अपन अब पीरियडिक प्रॉपर्टी से इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर सकते हैं, इसको देखो 10 पे क्या करोगे स्प्लिट, तो देन वी विल गेट 0 से 10 ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx प्लस ये आ गया 10 से 10 प्लस लैम्डा ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx। तो देखो दो काम कर सकते हैं, e की पावर x का पीरियड 1 है, तो 0 से nt में 10 को मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, और अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है a से लेके a प्लस nt, तो आप 10 से 10 को मल्टीप्लाई, 10 से 10 को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये तो क्या आ गया 10 मल्टीप्लाई में, और ये आ गया 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और अभी लिखा था अपन ने 0 से 1 में x माइनस स्टेप x को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं x, तो आ गया x dx प्लस 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 0 से लैम्डा e की पावर अगेन x dx, क्यों, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 है, तो अगेन स्टेप x को 0 पुट करोगे, तो सॉल्व करने पे क्या जाएगा 10 टाइम्स ऑफ e माइनस 1 और जाएगा प्लस e की पावर लैम्डा माइनस 1। इस वैल्यू को आप क्या करोगे, लेफ्ट पार्ट के इक्वल करोगे, जो राइट पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है उसके क्या कर देते हैं इक्वल, तो जो राइट पार्ट में आपको वैल्यू गिवन थी वो क्या थी, इसको लिखते पहले, ये सॉल्व करने पे क्या गया 10 e माइनस 10 और 1 माइनस 11 प्लस e की पावर लैम्डा इक्वल टू 10 ब्रैकेट में e माइनस 1, एक बार देखते हैं इसको, हाँ 10 e माइनस 9 सॉरी क्या थी 10 e माइनस 9 ये थी 10 e माइनस 9, तो 10 e से 10 e कैंसिल, 11 को उधर शिफ्ट किया तो प्लस के 2 आ गया, तो देन लैम्डा इक्वल टू आ गया ln ऑफ 2, तो ए की वैल्यू अचीव होगी 10 प्लस लैम्डा और लैम्डा इज ln ऑफ 2, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 10 प्लस ln 2, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इट इज अ गुड क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इक्वल टू, आपको एफ एक्स गिवन है 0 से x gt dt वेयर g इज ए नॉन जीरो इवन फंक्शन, g आपका एक इवन फंक्शन है बट वो जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जी एक्स इक्वल टू जीरो लोगे तो जी एक्स इक्वल टू जीरो भी आपका इवन फंक्शन है, बट उसके लिए क्वेश्चन है आपके लिए मना किया गया है, तो जी एक्स आपका एक इवन फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 0 से x gt dt और एक f ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू क्या गिवन है gx, तो देन आपको 0 से x ft dt की वैल्यू को क्या करना, फाइंड आउट, और ये देखना है कि ये किस ऑप्शंस के इक्वलेंट हो सकती है, मतलब gt की फॉर्मेट में आंसर लेके आना है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, एक बार लिखते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है इंटीग्रेशन 0 से x g ऑफ t dt, तो देखो इसका यूज तो क्या किया मैंने, इसको एक बार करो न्यूटन से लेबनीज फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो आ गया f(x) और अपर लिमिट पुट करने पे क्या जाएगा gx,
और बेटा जी एक्स अगर आपका इवन फंक्शन है तो देन एफ डैश एक्स भी इवन, और अगर एफ डैश एक्स इवन है तो एफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन। तो इसे एक बात और पता चल चुकी है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू, पहले सब कुछ लिखते हैं, एफ एक्स आपका एक ऑड फंक्शन है, इसका मीनिंग एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के एफ ऑफ एक्स। और जी एक्स अगर इवन फंक्शन तो आप लिख सकते हो जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ, दो बातें तो इससे फाइंड आउट हो चुकी है। एक आपको और कंडीशन गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जी एक्स, क्या गिवन है बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और देखो एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जी एक्स गिवन है, और जी एक्स को आप क्या लिख सकते हो जी ऑफ माइनस एक्स, इसको इसके इक्वल कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये सारी कंडीशन आपको क्वेश्चन में मैंशन है। अब आपको वैल्यू किसकी बतानी है, ये दिस पार्ट इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कि आई इक्वल टू जीरो से एक्स, I इक्वल टू जीरो से x, एफ टी डी टी कैन बी रिटन एज जी टी, आपको एफ टी डी टी को जी टी की फॉर्मेट में लाना। तो देखो इसमें एफ टी की वैल्यू को पुट करने की ट्राई करते हैं अपन। तो देखो एफ टी की वैल्यू को पुट करने के लिए क्या किया, आप एफ टी की वैल्यू को कैसे पुट कर सकते हो, तो केयरफुली देखो इसमें जी एक्स का मीनिंग क्या, एफ डेस एक्स, क्या बोलो जी एक्स का मीनिंग। तो आप इस कंडीशन से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे सकते हो, इसमें अगर आप x को रिप्लेस करोगे बेटा x माइनस फाइव से, तो देन वी विल गेट f ऑफ x इक्वल टू क्या गया g ऑफ x माइनस फाइव, मतलब आप f ऑफ t को पुट कर सकते हो g ऑफ t माइनस फाइव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये रिप्लेस किया, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आपको gx को मैं f dx पुट कर सकता हूं, तो अगर इस f की जगह f dx आ गया तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, ft को आप पुट करोगे इसमें 0 से x g ऑफ t माइनस वन dt, आफ्टर दैट g ऑफ t माइनस वन को आप इसमें x को लो t माइनस वन, तो g ऑफ t माइनस वन क्या आ गया, f डैश t माइनस वन, सॉरी f डैश t माइनस फाइव। तो दिस इज इक्वल टू 0 से x f डैश t माइनस फाइव ऑफ dt, यस सर, और f डैश t का कंडीशन क्या होगा, f ऑफ t, और लोअर और अपर लिमिट पुट करो तो क्या जाएगा, f ऑफ x माइनस फाइव माइनस f ऑफ माइनस के फाइव, ये आ गया f डैश कंडीशन f ऑफ x t माइनस फाइव, अपर लिमिट x पुट करोगे t की जगह, तो f ऑफ x माइनस फाइव माइनस जीरो पे f ऑफ माइनस फाइव। अब देखो आपको आंसर को इस फॉर्मेट में लाना है, जीरो से एक्स जी टी डी टी की फॉर्मेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करते हैं, आपको जो ऑप्शंस गिवन है उसमें लिमिट जो गिवन है उसको थोड़ा रीड करें आप। इसमें ऑल ऑप्शंस में जो लिमिट है वो क्या है, फाइव से एक्स प्लस फाइव। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इस लिमिट को फाइव से एक्स प्लस फाइव की फॉर्मेट में क्या करना है, कन्वर्ट। तो उसके लिए देखो क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करो, एफ ऑफ माइनस फाइव, इसमें जब एक्स को फाइव लोगे तो एफ ऑफ माइनस फाइव क्या जाएगा, माइनस एफ ऑफ माइनस फाइव। एक्स को फाइव लेने पे क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस फाइव को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ फाइव। तो जब इसको माइनस एफ ऑफ फाइव पुट करूं तो क्या बन गया, प्लस एफ ऑफ फाइव। तो ये तो आ गया एफ ऑफ फाइव प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव। बट आपको जो लिमिट है, देखो एफ ऑफ फाइव का मीनिंग तो आ गया जीरो से फाइव, और एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव, तो एक्स को जब एक्स माइनस फाइव लोगे तो क्या आ गया, जीरो से एक्स माइनस फाइव। बट आपको क्या चाहिए, लिमिट चाहिए एक्स प्लस फाइव। तो देखो एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव को एक्स माइनस फाइव को एक्स प्लस फाइव में रिप्रेजेंट करने का क्या ऑप्शन हो सकता है, देखो उसको इसमें देखते हैं अपन एक बार। तो देखो एक काम किया इसमें, ये जो कंडीशन है एक काम करते हैं इसको रिमूव कर देते हैं। ये इसमें देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, इसमें एक्स को रिप्लेस करो एक्स माइनस एक्स से, इसमें एक्स को रिप्लेस किया अपन ने माइनस एक्स से। जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो क्या जाएगा, एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स रिप्लेस बाय माइनस एक्स, ठीक है। फॉर दिस पार्ट आने के बाद आप क्या लिख सकते हो, देखो आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव की वैल्यू, बट ये क्या है, फाइव माइनस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, इसके अंदर आप रिप्लेस करो x इज रिप्लेस y x माइनस फाइव, तो इससे क्या मीनिंग फिट होगा,
एक्स को जब एक्स माइनस फाइव लोगे तो इसमें तो आ गया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव। तो देखो एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स को आप क्या पुट कर सकते हो, एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स को, या सॉरी अपन को ये पुट करना है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव की वैल्यू अपन पुट सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव की वैल्यू के लिए अपन इसको पुट कर सकते हैं माइनस एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो उसके बाद आगे कैसे करना अपन को समझो, तो एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं इसके अंदर, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव, तो ये आ गया। इसको अब इधर लिखना ही पड़ेगा, इसको दोबारा लिख देते अपन, इस स्टेप से लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये आ गया। बट अपन को तो लिमिट क्या चाहिए, एक्स प्लस फाइव की फॉर्मेट, तो बेटा जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स इक्वल है, तो मैं जी एक्स की वैल्यू को अगेन क्या पुट करता हूं, एफ ऑफ फाइव प्लस एक्स, तो क्या आ गया इक्वल टू एफ ऑफ फाइव प्लस एक्स। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव की वैल्यू क्या होगी, माइनस एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स, तो ये आ गया एफ ऑफ फाइव माइनस एफ ऑफ फाइव प्लस, बस इसके बाद क्वेश्चन को अपन इजी वे में कर सकते हैं। अब अपन को जो गिवन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स जी टी डी टी, तो उसकी हेल्प लेते हैं, तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो देखो क्या आ गया, आपको गिवन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से एक्स जी टी डी टी, तो इसमें पुट कर देते वैल्यूज, तो क्या आ गया देखो एफ ऑफ फाइव क्या होगा, जीरो से फाइव जी टी डी टी माइनस जीरो से फाइव प्लस एक्स अगेन जी टी डी टी। तो एक काम करो, इसमें लोअर अपर लिमिट जब चेंज करोगे तो क्या जाएगा, प्लस बन गया, तो ये आ गया जीरो से फाइव जी टी डी टी प्लस फाइव प्लस एक्स जीरो से जी ऑफ टी डी टी। तो उसको ऐसे रीड करो, 5 प्लस एक्स से 0 और 0 से 5, मतलब a से b और b से c, तो उसको लिख सकते हैं दिस इज a, दिस इज लेट b, दिस इज ऑल्सो b, दिस इज लेट c, तो क्या बन गया a से b और b से c, तो a से c आ गया, तो क्या जाएगा 5 प्लस एक्स से 5 gt dt। तो देखो इसके अकॉर्डिंग 5 प्लस एक्स से 5 gt dt, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट एक गुड क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, एफ आर टू आर बी एक फंक्शन है और एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन है आपको e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। और एक बात और भूल गई है कि जो कैपिटल एफ एक्स है वो क्या है, जीरो से एक्स एफ टी टी टी, तो आपको बोला गया है जीरो से वन कैपिटल एफ डेस एक्स एफ एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स इज लाइज इन विच इंटरवेल। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट है, तो इसका जब न्यूटन लेबनीज फॉर्मूले से क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो कैपिटल एफ डेस एक्स क्या जाएगा स्मॉल एफ एक्स, तो कैपिटल एफ एक्स को जब स्मॉल एफ एक्स लिखोगे तो क्या गया टू एफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, क्या गया बोलो टू एफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, लिखते हैं इसको एक बार, जीरो से वन 2f x e की पावर x dx, और बेटा f x की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस x sin x, तो e की पावर माइनस x sin x, तो e की पावर x से e की पावर माइनस x कैंसिल, तो क्या रहेगा 2 sin x dx, अल्टीमेटली क्वेश्चन आ गया 0 से 1 2 sin x dx। अब इसको देखते हैं एक बार कैसे किया गया, क्या गया ब्रो, लेट i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से 1 sin x dx। अब देखो जो ऑप्शंस गिवन है उसमें बोला गया कि दिस पार्ट लाइज इन विच इंटरवल, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो फिर तो जो आंसर है वो अपना किस फॉर्मेट में आने वाला है बोलो, इसके अकॉर्डिंग आंसर तो क्या आएगा sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x, तो जाएगा 1 माइनस cos x, बट
इसके इंटरवेल को लाने के लिए इसमें क्या करना है, अपन को साइन एक्स के एक्सपेंशन को यूज करना है। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हो आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से वन। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था बोलो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव माइनस, बस फोर टर्म इज सफिशियंट अप टू सो अंडर एक्स। इसको इंटीग्रेट करो तो देन वी विल गेट आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट, देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इसका क्या होगा बोलो एक्स फोर अपॉन फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव का एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव माइनस एक्स की पावर एट अपॉन एट फैक्टोरियल सेवन अप टू सो वन और लिमिट इज जीरो से वन। तो लोअर लिमिट जीरो पे तो जीरो हो जाएगा सारा कुछ क्योंकि सारा एक्स है इसमें, और वन पुट करने पे वन बाई टू वन अपॉन दिस वन अपॉन दिस माइनस वन अपॉन दिस अप टू सो वन। तो ये आ गया आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वन माइनस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन सिक्स फैक्टोरियल फाइव माइनस वन अपॉन एट फैक्टोरियल सेवन अप टू सो ऑन। अब देखो इसके बाद इसमें बेसिकली क्या करना है अपन को, तो अब देखो इसके बाद अपन को इंटरवेल को किस टाइप से जज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम कर सकते हैं, इस टू को अंदर शिफ्ट करो तो टू को अंदर टू को अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा वन माइनस टू इंटू फैक्टोरियल थ्री, तो टू इंटू फैक्टोरियल थ्री का मीनिंग आ जाएगा वन बाई ट्वेल्व प्लस ये जाएगा वन अपॉन थ्री इंटू वन ट्वेंटी थ्री सिक्सटी माइनस वन अपॉन फोर इंटू फैक्टोरियल, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बस इसे समझ सकते हो। अब इसके बाद देखो इंटरवेल को जज करने के लिए क्या करना है कि आई लाइज इन विच इंटरवेल, आपको जज करना है कि आई लाइज विच इन इंटरवेल। तो देखो उसके लिए क्या करना है, तो देखो थोड़ा केयरफुली समझे इसको। अगर आप इसको ऐसे ले तो वन माइनस वन बाई टेल ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये वन बाई थ्री सिक्सटी है फोर इंटू, तो ये वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब वन अपॉन लेस और वन अपॉन ग्रेटर, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर आप ये लिखते हो कि आई ऑफ, आपने इसके बाद क्या होगा टू टू की पेयरिंग करोगे आप तो ऑल ब्रैकेट्स आर पॉजिटिव, ऑल ब्रैकेट्स आर पॉजिटिव मीन आप इस ओनली दिस पार्ट को लेट करते हो और बाकी को रिजेक्ट कर दोगे, इसका मीनिंग आई की वैल्यू दिस पार्ट से क्या होगी ग्रेटर, क्योंकि आपने कुछ पॉजिटिव पार्ट्स को, ये ऑल ब्रैकेट्स आर पॉजिटिव तो आपने पॉजिटिव पार्ट को रिमूव किया तो आई की वैल्यू क्या होगी वन माइनस वन बाई ट्वेल्व से ग्रेटर, मतलब इलेवन बाई ट्वेल्व से ग्रेटर होगी, तो आई इज ग्रेटर इन इलेवन बाई ट्वेल्व। उधर के लिए देखो क्या करना है, अगेन क्योंकि जो ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है, क्योंकि जो इलेवन बाई ट्वेल्व है इसको जब आप थर्टी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 330 अपन 360, क्योंकि ईच ऑप्शन में 360 का रोल है डिनोमीटर में, तो मैंने ये थीम यूज की कि 1 माइनस 12 को अगर आप एक साथ लोगे और बाकी को इसमें से रिमूव कर देते हो तो आपको ऑप्शंस में एक ऑप्शन दिख जाता है कि 360 अपन 333 अपन 360 और ये वैल्यूज पॉजिटिव है, तो किसी पार्ट में से या किसी टर्म्स में से पॉजिटिव पार्ट को रिमूव करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी कम होगी ना, इसका मतलब उससे ग्रेटर होना चाहिए, लेफ्ट हो गया। अब अगेन क्या करना, अगले ऑप्शन में क्या बोला गया, इन्होंने वन को तो रखा रखा, अब आप इन स्पेयर को रखो, इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हो देखो i इक्वल टू वन माइनस इन दोनों में से जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ गया वन बाई ट्वेल्व माइनस वन बाई थ्री सिक्सटी, और इसमें से और उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा दिस पार्ट। अब ओनली अगर आप दिस पार्ट को लेट करते हो तो अगेन ये ऑल ब्रैकेट्स आर पॉजिटिव, इसकी तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन, और ये जो सारे ब्रैकेट है वो पॉजिटिव है तो दिस पार्ट में से कुछ पार्ट ये सारा पार्ट नेगेटिव है, मतलब वैल्यू दिस पार्ट से क्या होगी लेस होगी, तो अगर आपने इन ब्रैकेट्स को रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब आई की वैल्यू दिस पार्ट से क्या होगी लेस होनी चाहिए, तो जाएगा आई लेस देन ऑफ दिस पार्ट,
और ये कितना आ गया, इसमें 360 एलसीएम ले सकते हो आप। तो जब आप 360 एलसीएम लोगे बेटा तो न्यूमेटर में क्या आ गया, 360 माइनस 30 और प्लस 1, तो दिस इज 360 माइनस 30, 330 प्लस 1 इज, दिस इज बोलो 331/360। और इधर इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, तो आई की वैल्यू 330/360 से 331/360 के बीच में लाई करती है। ठीक है, इस फॉर्मेट को अपन को इसमें यूज करना था, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ये थोड़ा गुड क्वेश्चन है इसमें। चलो उसके बाद देखो 14 क्वेश्चन क्या, लेट सी वन वी दी कर्व ऑप्टेंड बाय दी डिफरेंशियल बाय दी सॉल्यूशन ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy डी ओवर डी एक्स इक्वल टू y स्क्वायर माइनस स्क्वायर कोमा x पॉजिटिव एंड सी टू वी दी कर्व सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कर्व आर पासिंग थ्रू दी पॉइंट 1,1 देन दी एरिया इंक्लूड बाय दी कर्व ऑफ सी वन एंड सी टू इज इक्वल टू। तो देखो इसमें क्या थीम यूज करनी है, थोड़ा इसको केयरफुली समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों कर्व को देखो आप, इसमें तो डी ओवर डी एक्स क्या है आपका, इसमें तो डी ओवर डी एक्स गिवन है आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई, और अगले में डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ये दो कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये टू कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें फर्स्ट थीम तो ये है कि इन दोनों के डी वाई डीएक्स का मल्टीप्लाई माइनस बना रहा है, तो ये अपन को आना चाहिए कि टू डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है टू कर्व की और उनके डी वाई डीएक्स का मल्टीप्लाई वन है, इसका मतलब बहुत कर्व्स आर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये दोनों कर्व क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली। ठीक है, मतलब इनके जो कर्व हैं वो y इक्वल टू x के अबाउट क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। ध्यान रखना इस बात को, क्या होंगे, y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक। तो इसमें करना क्या आपको, देखो ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और ये भी क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या करना, आप y इक्वल टू पुट करोगे ux, पहले फर्स्ट में y को ux पुट करना, और आप y को ux पुट करोगे तो उसमें कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होगा c और बहुत कर्व इज पासिंग थ्रू दी वन कॉमन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें कैलकुलेशन का पार्ट है जिसको आप इजी वे में कर सकते हैं। जैसे ही आप जिस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो देन वी विल गेट, इसके बाद देखो आप दोनों कर्वों में वाई को पुट कर देना यू एक्स, तो सी वन कर्व तो आपको मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और सिंपल सा इंटीग्रेशन है। अब अगले कर्व में क्या करना है कि बहुत कर्व अगर वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, ध्यान रखें दोनों कर्वों का जो डी वाई डी एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन है, तो दोनों कर्व आपके क्या होंगे, वाई इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। तो सेकंड कर्व इसमें आने वाला है और आप मैथमेटिकली सोल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स, कुछ नहीं करना है, एक्स को वाई से रिप्लेस करना और वाई को एक्स से रिप्लेस करना अपन को। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो इन दोनों कर्व के डायग्राम को जब ड्रॉ करोगे, इसका सेंटर 1,0 रेडियस 1 है, तो ये सर्किल तो बनेगा ऐसे और अगला सर्किल बनेगा आपका ऐसे, क्योंकि इसका सेंटर है 0,1। और अब देखो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 1,1, क्यों होगा, क्योंकि बहुत कर्व्स आर सिमेट्रिक अबाउट दी लाइन y इक्वल टू x, मतलब इनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो y इक्वल टू x के अबाउट लाई करते हैं, तो ये y इक्वल टू x की लाइन है आपकी, तो आपको ये एरिया चाहिए। तो एक ध्यान रखो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, बस इसमें यूज करना था। तो अपन एक काम करते हैं, दिस एरिया क्या करते हैं कैलकुलेट, इस एरिया को लाने के लिए क्या करोगे, ये 0 है 1 है, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 y दिस माइनस y दिस, तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से 1 अपर कर्व इज y, इससे तो क्या होगा y इक्वल टू x, तो आ गया x माइनस, इससे y की वैल्यू चाहिए, तो y कौन सा है दिस पार्ट, तो इससे y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, इसको बनाना पड़ेगा पहले परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या चीज है ये, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप सेंटर रेडियस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इससे आपको y की वैल्यू क्या अचीव होगी, y माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर, तो इससे y आ गया 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस
इस वैल्यू को आप इधर पुट करोगे तो माइनस वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप इजी इंटीग्रेशन कर सकते हो जीबी में, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का माइनस एक्स, और माइनस इसका क्या करते हैं एक्स वाई टू रूट एजी टेज, और प्लस आता है तो माइनस वन वाई टू साइन वर्स एक्स अपॉन वन, इसको में लिमिट जीरो से वन पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है पाई बाई टू माइनस वन, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसकी मेन थीम यही थी कि जो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो बोथ आर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दोनों में आपको वाई को यू एक्स पुट करना है, वाई को यू एक्स पुट करोगे तो ये बन जाएगा वेरिएबल ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। उसके बाद सी वन सी टू कर्व होंगे, दोनों को वन 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 से पास कराओ तो आपको कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो एक कर्व तो फाइंड आउट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और एक x का y स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो दोनों कर्व को ड्रॉ करने से बेनिफिट क्या हुआ, ये दोनों सर्किल है जिसका एक का सेंटर 10, एक का सेंटर 01, और ये दोनों कर्व y इक्वल टू x के अबाउट क्या है सिमेट्रिक, ठीक है। चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 इज द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय सेट ऑफ दिस पार्ट। ये सेट का मीनिंग क्या है, x को पॉजिटिव लेना है, एक दिस कर्व और एक दिस इनइक्विटी से बॉन्ड डिवाइड है, तो अपन दोनों इनइक्विटी को ड्रॉ करते हैं। तो देखो एक तो क्या है 2x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू y, और एक है y लेस देन 4 माइनस 2x, और x को क्या लेना है बोलो पॉजिटिव। तो इनसे बाउंडेड बाय एरिया के लिए क्या करोगे, इनका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम को ड्रॉ करने का क्या प्रॉपर मेथड है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेते हैं इक्वल टू, तो y इक्वल टू आ गया 4 माइनस 2x, जब आप x को 0 लेते हो तो y 4 होगा, और y को 0 लोगे तो x आ जाएगा 2, तो ये पॉइंट तो आ गया 2,0, और ये जाएगा 0, लिख देते हैं इसको रिक्वायरमेंट के लिए। और ये क्या है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, या x स्क्वायर इक्वल टू y बाई टू, ये अपवर्ड पैराबोला होगा जिसको रीजन से पास कराना। अब आपको ये देखना है कि विच रीजन, लाइन को चेक करने का ऑप्शन क्या है, इस लाइन में जब 0,0 पुट करोगे तो क्या रहा है 0 less than 4, इट इज ट्रू, इसका मीनिंग आपको लाइन के नीचे वाला पोर्शन लेना है, ये बात लाइन के नीचे वाला, x greater than 0 का मीनिंग पॉजिटिव x एक्सिस, इस x से अप लेना है, ठीक है चले। और इसका मीनिंग क्या होगा देखो, इसको 0,0 तो करता है सेटिस्फाई, पता ही नहीं चलेगा आपको, तो सिंपल सा ऑप्शन ये कि पैराबोला का या तो इंटीरियर पोर्शन होगा या आउटर पोर्शन, तो उसको चेक करने का बेटर ऑप्शन है। इसमें एक काम करते हैं अपन, पुट कर देते 2,0, एक्स को 2 और वाई को 0 लोगे तो 4 less than 0, ये रॉन्ग है, इसका मीनिंग आपको पैराबोला के अंदर वाला पोर्शन लेना है। तो अंदर वाला पोर्शन लोगे तो जैसा आ गया, तो एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, हाँ एक्स को 2 लोगे और वाई को 0 लोगे तो क्या आ गया 4 less than 0, तो फॉल्स आ रहा है ना, इसका मीनिंग आपको इसका दिस एरिया क्या करना है बोलो कैलकुलेट, दिस पार्ट x greater than 0 का मीनिंग क्या है, ये x equal to 0 की लाइन है, ये क्या x equal to 0, तो x greater than 0 का मतलब इधर वाला पोर्शन, तो ये इसका फाइनल एरिया आ जाएगा, दिस एरिया आपको क्या करना है बोलो कैलकुलेट। और इसका वेट ऑप्शन क्या है, चाहो तो x का अवॉइड कर सकते हो, y के अवॉइड, जैसा भी आपकी चॉइस है। तो चलो अपन y के अवॉइड कर देते हैं, या एक काम करो ये इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट लेट अल्फा है, तो क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू 0 से अल्फा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व तो लोगे लाइन से, तो इससे तो y की वैल्यू क्या होगी 4 minus 2x, क्या होगी 4 minus 2x, और माइनस ऑफ पैराबोला से y की वैल्यू क्या होगी 2x स्क्वायर, तो क्या जाएगा माइनस के 2 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ गया एरिया इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर माइनस के 2x³y³, और लिमिट लगानी है 0 से लेके अल्फा, अल्फा लाने का ऑप्शन क्या है, आप दोनों कर्व को सॉल्व कर दो, तो इससे y की वैल्यू पुट कर दो तो क्या गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस के 2x, दिस इज 2x स्क्वायर, इसमें सिंपल x को 1 देखो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है x इक्वल टू 1 इसको, तो 0 से 1 लिमिट लगा देना, तो 1 पुट करने पे क्या जाएगा 4 माइनस 1 माइनस के 2 बाई 3, दिस इज
थ्री माइनस की 2/3 तो जाएगा 7/3, तो इसका 7/3 आंसर है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 ही देखो, लेट एफ बी ए नॉन नेगेटिव फंक्शन इन 0 to 1 एंड ट्वाइस डिफरेंशियल इन 0 to 1। एफ आपका एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बोलो, नॉन नेगेटिव। देखते इसका यूज क्या है, 0 से 1 दिस पार्ट, ये 0 से 1 में डिफाइन है, एफ ऑफ 0 0 है, तो लिमिट ऑफ दिस पार्ट इज, अल्टीमेटली आपको पहले इस लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए एफ एक्स फंक्शन को क्या करना पड़ेगा बोलो, कैलकुलेट। तो देखो एफ एक्स फंक्शन को लाने का ऑप्शन क्या, ध्यान दे आप इसको सोल्व करो, तो अपन एक काम करते हैं इसमें न्यूटन्स लेवनीज की हेल्प से इसका कर देते डिफरेंशिएशन। तो क्या ऑप्शन है, अपर लिमिट पुट करो तो क्या गया, रूट ऑफ, ये ध्यान रखे जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट वेरिएबल हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, न्यूटन्स लेवनीज फॉर्मूले की हेल्प से इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी एक बार स्क्वायरिंग कर दो तो क्या गया, 1 माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको बहुत इजी वे में करते हैं, इस एफ डैश एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, या इसको लिख सकते अपन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। दिस पार्ट आने के बाद इसका ले लो बोथ साइड स्क्वायर रूट, जैसे ही आप इसका बोथ साइड क्या लोगे, स्क्वायर रूट, तो देन वी विल गेट एफ डैश एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एफ स्क्वायर। अब देखो इसको इसके डिवाइड में ला सकते हैं, ये एक एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ने क्वेश्चन को क्या कर दिया बोलो, कन्वर्ट। तो जैसे एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। अब इसका क्या करो, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या करना है, ध्यान दो एफ एक्स को टी मानोगे तो एफ डैश एक्स कहां चला जाएगा, डी टी में, तो क्या डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी, तो अल्टीमेटली आ गया साइन इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी। और बेटा एफ ऑफ 0 आपको 0 गिवन है, तो जब एक्स को 0 लोगे तो ये 0, एफ ऑफ 0 0, साइन इनवर्स 0 0, तो सी कितना जाएगा बोलो 0। तो फंक्शन क्या गया, साइन इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, साइन इनवर्स को जब आप राइट में शिफ्ट करोगे तो देन वी विल गेट एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस साइन एक्स। अब देखो क्वेश्चन में एक्स आपको 0 से 1 गिवन है, 0 से 1 का मतलब 0 से 1 रेडियन, मतलब 0 से लेके 57 डिग्री, और 0 से 57 डिग्री में साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा बोलो, पॉजिटिव फंक्शन, तो आपको ओनली टेकिंग प्लस लेना है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या गया बोलो, पॉजिटिव साइन एक्स। अब आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ गया, तो अपन से देखो किसकी लिमिट पूछी गई है, अपन को बताना है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एक्स एफ टी डी टी, मतलब दिस इज एफ टी का मतलब साइन टी अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो अगेन, अब लिमिट सोल्व करते हैं, एक्स को 0 लेने पे 0 से 0 इंटीग्रेशन की बहुत लिमिट्स आर इक्वल, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी 0, और अपॉन में भी 0, तो क्या बनेगी 0/0 फॉर्म। जब भी 0/0 फॉर्म हो तो क्या करते हैं, एल लोपिटल रूल, न्यूमेटर का न्यूमेटर में डिफरेंशिएशन और डिनोमेटर का डिनोमेटर में डिफरेंशिएशन, तो क्या जाएगा, अपर लिमिट पुट करने पे तो आ गया साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब अपन को पता है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, तो देन अल्टीमेटली इसका आंसर क्या जाएगा बोलो, 1/2 आंसर इसका। ठीक है चले, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फोर्थ ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो 17 क्वेश्चन है, इफ ए कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स पासिंग थ्रू दी पॉइंट 1, 2, ये 1, 2 है, एक कर्व आपका 1, 2 से पास होता है, और दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है, उसके रिगार्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कर्व के रिगार्डिंग, तो बताओ एफ ऑफ आफ की वैल्यू क्या होगी। तो देखो फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल इससे एक बात देखो, डी ओवर डीएक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, अपने पास आ गया डी ओवर डीएक्स इक्वल टू 2xy प्लस केयरफुली देखो डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू ऑल थ्री टर्म्स की डिग्री टू है, तो टीजे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ऑप्शन क्या, पुट y इक्वल टू यू एक्स, तो इसका डिफरेंशियल करने पे क्या जाएगा डी ओवाई डी एक्स जाएगा u प्लस एक्स डी ओवाई डी एक्स, तो पुट कर देते हैं u प्लस एक्स डी ओवाई डी एक्स इक्वल टू, केयरफुली ध्यान दो जब y को यू एक्स लोगे तो क्या आएगा टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू ऑफ एक्स स्क्वायर, तीनों में से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सब में से जब आप एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट करने पे क्या आ गया देखो यू प्लस एक्स डी यू वाई डी एक्स इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट टू यू अपॉन टू यू आ गया, सेपरेट डिवाइड भी कर दो साथ के साथ प्लस ये आ गया यू स्क्वायर बाई टू, तो इससे बेनिफिट क्या होगा u से u कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन आ गया x du by dx इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू, टू को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ। अब क्या करना है, जैसे ही आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन 100% क्या होगा वेरिएबल सेपरेशन में, तो देखो u स्क्वायर को इसके डिवाइड में ले आओ और dx को और x को राइट साइड में शिफ्ट करो, देन वी विल गेट टू डी यू अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया dx अपॉन x। अब बहुत सारे क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन यू स्क्वायर कंडीशन क्या होगा माइनस के वन अपॉन यू, तो ये आ गया माइनस के टू अपॉन यू इक्वल टू दिस इज एल एन एक्स प्लस सी। अब आप इसमें यू को पुट करोगे वाई वाई एक्स, तो क्या जाएगा माइनस के टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। अब आपसे क्वेश्चन में देखो मेंशन किया गया है This curve is passing through the 1, 2, मतलब x को 1 लेना है और y को 2 लेना है, तो देखो x को 1 लोगे तो ln 1 0, x को 1 y को 2 लोगे तो 2 से 2 कैंसिल तो माइनस 1, तो c कितना आ गया बोलो माइनस 1। इट कर्व इस कर्व इज पासिंग थ्रू दी 1, 2, देन वी विल गेट c इक्वल टू माइनस के 1, c को माइनस 1 लोगे तो देखो फाइनली कर्व आ गया माइनस 2x अपॉन y इक्वल टू ln x माइनस 1, y की वैल्यू चाहिए तो y को मल्टीप्लाई में ले आओ और ln x माइनस 1 को इसके डिवाइड में, तो इससे y आ गया माइनस के 2x अपॉन ln x माइनस 1। अब आपसे पूछा है y की वैल्यू बतानी है 1 बाई 2 पे, तो x को पुट कर दो इसमें 1 बाई 2, पढ़ो क्वेश्चन में y का मीनिंग क्या है इसमें f x, और f ऑफ हाफ की वैल्यू के लिए क्या करोगे x को हाफ पुट कर दो, जैसे ही आप इसमें x को हाफ लोगे तो क्या जाएगा माइनस 1 अपॉन ln हाफ माइनस 1, एल एन हाफ को क्या लिख सकते हैं माइनस एल एन 2, माइनस कैंसिल आउट तो क्या गया 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ 2, तो इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन 1 प्लस लॉग 2, तो इसका बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का है। इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेम टू साइड इज वाई। एक ट्राइंगल है आपका, समझो पहले क्वेश्चन को, इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल लेट करते हैं अपन एबीसी, इस साइड को स्मॉल ए लेट करो, इसको बी लेट करो, इसको सी लेट, एनी टू साइड, अपन ने टू साइड लेट की ए और बी, इन दोनों का सम तो आपको गिवन है एक्स और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है वाई, और एक कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, C इज ए लेंथ ऑफ थर्ड साइड, C इसमें थर्ड साइड की लेंथ है, देन दी सर्कम रेडियस ऑफ दी ट्राइंगल कैपिटल R, तो कैपिटल R का फॉर्मूला अपन जानते हैं, एक फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है अपने ABC अपन 4 डेल्टा। देखो इस क्वेश्चन को करने के कौन कौन से वे हो सकते हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड पता है ABC, तो आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो हीरोज फॉर्मूले से, क्योंकि इससे आगे ना आर इक्वल टू AB का मल्टीप्लाई तो वाई है, तो वाई सी अपॉन 4 डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू किससे फाइंड आउट करोगे बोलो हीरोज फॉर्मूले से। और एक अनदर ऑप्शन और है, देखो ये ए और बी और ये सी है, ये एंगल है आपका सी, तो कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प से अपन एंगल सी को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन
साइन सी इक्वल टू टू आर, तो इससे लिख सकते हैं ना ए इक्वल टू टू आर साइन ए, बी इक्वल टू टू आर साइन बी एंड सी इक्वल टू टू आर साइन सी। अब बात आती है कि सर फॉर्मूला कौन सा यूज करें, तो वेट ऑप्शन दिस पार्ट है, क्यों, क्योंकि ए और बी की वैल्यू थोड़ी ना गिवन है, आपको ए और बी का प्रोडक्ट गिवन है, लेंथ सी को सी लेट करना है तो अपन एंगल सी फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल अपना कैपिटल आ जाएगा सी अपॉन टू साइन सी, तो आपको बेटा ओनली साइन सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें लगा दो कोसाइन सी, तो कोस सी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। तो देखो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका यूज क्यों किया, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू बनाए, माइनस टू ए बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी का मीनिंग वाई। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, इसको हटा दो उसमें से, तो इससे क्या आ गया कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस के टू वाई अपॉन इज टू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर, कुछ गड़बड़ी की इसमें, टू वाई आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, कुछ एक बार देखते सॉरी, हाँ एक्स का माइनस की वैल्यू वाई है क्योंकि अदरवाइज डायमेंशन अलग हो जाएंगे उसमें, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बोलो वाई, तो ये तो वाई आ गया माइनस दिस इज वाई, ए बी की वैल्यू वाई है तो माइनस टू वाई अपॉन दिस इज टू वाई, तो माइनस वाई अपॉन टू वाई तो माइनस हाफ आ गया, तो कॉस सी माइनस हाफ है तो सी कितना जाएगा 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या पुट करोगे रूट थ्री वाई टू, तो टू से टू कैंसिल करने पे क्या जाएगा सी वाई रूट थ्री। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन टिक कर सकते हैं अपन, सी वाई रूट थ्री, तो हाँ इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ 5, 5r, 5r² आर दी लेंथ ऑफ दी साइड्स ऑफ दी ट्रायंगल देन आर कैन नॉट बी इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो क्या करें, बस इसमें एक ही ऑप्शन है, क्या कंडीशन अप्लाई करें कि अपन वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ आर। तो आपको मेंशन है कि दिस कॉमा दिस आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो आपको ट्रायंगल की थ्री साइड्स गिवन है वेरिएबल फॉर्मेट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की तीन साइड गिवन है तो सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, बस ये कंडीशन लगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें एक तो आर का रोल है तो आर पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो क्या करें पहले तो फर्स्ट और सेकंड का सम कर दो, तो 5 + 5r > 5r² 5 से 5 कैंसिल सबको राइट में शिफ्ट कर दो, देन वी विल गेट r² - r - 1 < 0। इसके फैक्टर कर नहीं सकते आप, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, आप बोल दो कि लेट इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, तो ये अल्फा आ गया ये बीटा आ गया, तो प्लस माइनस प्लस नेगेटिव, तो क्या जाएगा आर बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अल्फा बीटा क्या होंगे 1 माइनस बी प्लस माइनस रूट 5 बाय 2, ये लो, तो एक तो आ गया 1 माइनस के रूट 5 बाय 2 से 1 प्लस रूट ऑफ 5 बाय 2, ये लो, ये लेट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड और थर्ड साइड को फर्स्ट से ग्रेटर कर दो, नेक्स्ट कंडीशन है 5r + 5r² = 5, अगेन 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ गए r² + r - 1 = 0, इस बार रूट्स के बाहर चले जाओगे आप, इसके रूट अल्फा बीटा तो प्लस माइनस प्लस, तो टेकिंग प्लस लोगे तो क्या जाएगा r बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से -1 - √5/2, इसके रूट लिख लेना सब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, यूनियन -1 + √5/2 से इनफिनिटी, और नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करोगे क्या फर्स्ट और थर्ड साइड का सम 5r² + 5h > 5r, इससे 5 कैंसिल करो तो देन अगेन वी विल गेट r² - r + 1 = 0, देखो इसका डी नेगेटिव है
तो दिस इज ऑलवेज टू, ये तो ऑलवेज टू होगी। तो आपको ओनली क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर पॉजिटिव है तो ये तो हट गया, तो क्या गया जीरो से लेके दिस पार्ट, ये कंप्लीट नेगेटिव तो ये भी हट गया और ये पॉजिटिव है तो इससे ग्रेटर लेना, तो ये तो आ गया दिस पार्ट का दिस के साथ। तो देखो माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू और ये वन प्लस रूट फाइव बाई टू, तो ग्रेटर वैल्यू ये है। मतलब नंबर लाइन पे अगर बात करोगे तो इधर तो कौन होगा वन प्लस रूट फाइव बाई टू और इधर प्रेजेंट होगा रूट फाइव माइनस वन बाई टू, तो इससे तो लेना है ग्रेटर और इससे लेना है लेस, तो दिस पार्ट इसका फाइनल इंटरवल होगा। तो उसको अपन रीराइट करते हैं एक बार, अल्टीमेटली आ गया आर बिलोंग्स टू रूट फाइव माइनस वन बाई टू से। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि आर कैन नॉट बी इक्वल, तो एक बार इसको देखो अप्रोक्सीमेटली देख लो इसकी वैल्यू क्या होगी। रूट फाइव की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते 2.2, 2.2 माइनस 1, 1.1 बाय 2 इज 0.6 अप्रोक्सीमेट, कॉमा 2.2 प्लस 1 इज 3.2, y2 इज 1.6। तो देखो आर इसके बाहर कहां जा सकता है, 5 बाई 4 का मीनिंग क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो ये तो इसके अंदर इनबिल्ट है। 3 बाई 2 का मीनिंग 1.5 ये भी सही है, 3 बाई 4 का मीनिंग 0.75 ये भी है, 7 अपॉन 4 की वैल्यू क्या होगी 1.7 से ग्रेटर, इसका मीनिंग थर्ड ऑप्शन आपको टिक करना है क्योंकि थर्ड में पूछा गया कि आर कैन नॉट बी इक्वल, तो उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देखो 20, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी क्वेश्चन क्या है, एबीसी इज ए ट्रेपीजियम सच दैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड बी सी परपेंडिकुलर टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, ध्यान दो ये लेट ए बी है और ये सी डी इसके पैरेलल है, और क्या बोला गया है बी सी, इसको सी नेम दे देते हैं इसको डी नेम, बी सी परपेंडिकुलर टू सी डी, इसका मतलब ये एंगल 90 बोला गया, तो ये बन गया आपका एक ट्रेपीजियम। यस सर, और कुछ बोला गया है एंगल ए डी एंड बी, क्वेश्चन को ध्यान से देखें ये एंगल आपको मेंशन है थीटा, ए डी एंड बी, बी सी की लेंथ को बोला गया पी एंड सी डी की लेंथ को बोला गया क्यू, तो आपको ए बी की लेंथ को क्या करना बोलो कैलकुलेट, और आंसर पी क्यू और साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्मेट में। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें, ये 90 है तो ये लेंथ तो क्या होगी राइट एंगल से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और थोड़ा केयरफुली देखो ए बी फाइंड आउट करना है तो ये ए बी की अपोजिट साइड है, तो एक बात थोड़ा समझने की ट्राई करो, अगर ये एंगल आपको कुछ आइडिया मिल जाए, इस एंगल को मैंने लेट कर दिया, जैसे ऐसे समझते हैं ये एंगल लेट अगर अपना अल्फा है, ये एंगल लेट कितना बोलो अल्फा, ये पैरेलल तो ये भी 90 था तो ये एंगल कितना जाएगा बोलो, या फिर एक काम करो इसको अल्फा मान लेते हैं तो एंगल आ जाएगा पाई बाई टू माइनस अल्फा, ये देखो अब हो जाएगा सो ये अल्फा है ये थीटा है तो ये एंगल कितना आ गया पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना, ये अल्फा कंसीडर किया तो ये एंगल आ गया पाई बाई टू माइनस अल्फा, ये थीटा है पाई है, तो क्या आ गया पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो ट्राइंगल ए बी डी में अप्लाई करो साइन लॉ, डेल्टा ए बी डी में अप्लाई करेंगे अपन क्या होता है साइन लो, साइन थीटा अपॉन ए बी इक्वल टू साइन ऑफ दिस पार्ट अपॉन ए बी, तो अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन अपोजिट साइड इज ए बी इक्वल टू साइन ऑफ दिस, तो साइन पाई माइनस समथिंग इज साइन समथिंग, तो क्या आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन इसकी अपोजिट साइड इज रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ए बी को इधर मल्टीप्लाई कर दो इन सब को इधर ले आओ, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया इससे अल्टीमेटली क्या जाएगा ए बी इक्वल टू रूट ऑफ दिस पार्ट रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा, और साइन थीटा प्लस अल्फा में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या गया साइन थीटा
कोस अल्फा प्लस कोस थीटा, आपको कोस थीटा क्योंकि थीटा एंगल तो क्यों मैंने, तो आपको कोस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू को पुट करना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। तो देखो ये पाई बाई टू माइनस अल्फा, ये 90 है, तो ये एंगल कितना जाएगा अल्फा। इतना आने के बाद देखो इस ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी में साइन अल्फा तो क्या होगा, अल्फा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनियस, तो इससे आ गया साइन अल्फा इक्वल टू पी अपॉन रूट ऑफ दिस पार्ट और कॉस अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन रूट ऑफ दिस पार्ट, रूट ऑफ दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। तो जब साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो साइन सॉरी कॉस अल्फा की वैल्यू तो क्या होगी, क्यू अपॉन रूट, और साइन अल्फा की वैल्यू पी अपॉन रूट, पी अपॉन रूट। तो रूट तो कॉमन आके न्यूमरेटर में चला गया, तो इसपे से रूट रिमूव हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा, ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में साइन थीटा था, सॉरी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हाँ तो अच्छी बात तो ये कि इसमें ऐसा ऑप्शन एक इमेज कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको एक इंटीग्रेशन गिवन एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो एफ ऑफ जीरो जीरो है और एफ ऑफ वन इज वन बाय के, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या वन बाय के, देन वैल्यू ऑफ के इज, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अल्टीमेटली आपको उसका क्या करना, इंटीग्रेशन ध्यान दें, आप न्यूमेटर को अगर केयरफुली देखोगे, देखो अगर आप डिनोमेटर को टी मानते हो, न्यूमेटर इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन। बट सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिनोमेटर को इस टाइप से लेट करें या कन्वर्ट करें कि उसको टी लेट करने पे न्यूमेटर का कंप्लीट पार्ट उसका क्या बन जाना चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो इसकी क्या थीम होगी, देखो इसके न्यूमेटर में टू टर्म्स में, इसका मीनिंग डिनोमेटर को इस टाइप से रिप्रेजेंट करो कि उसका डिफरेंशिएशन करने पे टू टर्म आनी चाहिए। तो डिनोमेटर में थ्री टर्म्स है, बट डिफरेंशिएशन करने पे टू टर्म लानी है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मीनिंग एक टर्म में तो कॉन्स्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो डायरेक्ट अगर लेट करोगे आप तो ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो आप एक्सर कॉमन लोगे एक्स की पावर सेवन, बट जब आप एक्सर कॉमन लोगे तो फोर आ गया, तो बन जाएगा फाइव एक्स की पावर फोर प्लस सेवन एक्स की पावर टू, तो अगेन ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इसमें ध्यान रखें दो ही ऑप्शन है, या तो एक्सर कॉमन लोगे या टू एक्स की पावर सेवन, तो इसमें आपको एक्स की पावर सेवन को कॉमन लेना है। जैसे ही आप इसमें एक्स की पावर सेवन को कॉमन लोगे तो क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, x की पावर 7 को कॉमन लोगे तो बाहर आ गया x की पावर 14, और x की पावर 14 से डिवाइड करने पे क्या जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर माइनस सिक्स प्लस 7 इंटू एक्स की पावर माइनस 8, ठीक है ना। सिमिलरली इधर x की पावर जब 7 कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 प्लस ये आ गया। अब अपन इसको लेट कर लेते हैं t, जैसे ही आप इसको t लेट करोगे तो क्या आ गया, 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 प्लस 2 को क्या करिए ब्रो, t कंसीडर, तो 1 अपॉन x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, न्यूमेटर में लेके जाओ तो x की पावर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 6 और इसका माइनस 7 अपॉन एक्स की पावर 8, टू का जीरो, dx इक्वल टू क्या गया dt। तो ध्यान दो ये कंप्लीट पार्ट आपका कहां चला जाएगा बोलो, dt में, तो न्यूमेटर वाला पार्ट इसके dx था ये तो चला गया dt में। तो क्वेश्चन क्या गया, fx इक्वल टू dt अपॉन t स्क्वायर और 1 अपॉन t स्क्वायर कंडीशन माइनस के 1 अपॉन t, तो अल्टीमेटली आपका fx इक्वल टू आ गया माइनस के वन अपॉन टी प्लस सी और टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या गया, वन अपॉन एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सेवन प्लस, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो
तो एक्स की पावर सेवन जब इसमें से आप एलसीएम लोगे तो देन वी विल गेट एफ एक्स इक्वल टू, देखो एक्स की पावर सेवन इसका एलसीएम, तो इधर टू आ गया, इधर वन आ गया, इधर एक्स की पावर सेवन और एलसीएम चला जाएगा न्यूमेरेटर में, तो फाइनली आ गया माइनस एक्स की पावर सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर सेवन प्लस, सॉरी ये तो वन आ गया, ये टू, एक्स सॉरी माइनस एक्स की पावर सेवन अपॉन एक्स की पावर टू प्लस 2x की पावर 7 प्लस 1 प्लस c। अब आपको गिवन है f ऑफ 0 इज 0, तो x को 0 लोगे तो y भी 0, तो f ऑफ 0 0, ये भी 0, तो c कितना आ गया 0, f ऑफ 0 को 0 पुट करने पे c क्या जाएगा बोलो 0, इसका मीनिंग ये तो चला गया 0, मिटा दो उसको, तो अपना fx इक्वल टू आ गया दिस पार्ट। आपसे पूछा गया कि बताओ fx की वैल्यू बतानी है आपको कब, f ऑफ 1, एफ ऑफ वन इक्वल टू गिवन है आपको वन वाई के, तो एक्स को वन लोगे तो एफ ऑफ वन क्या जाएगा माइनस के वन वाई फोर। तो देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी अपन ने, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो के नेगेटिव तो नहीं सकता ना, तो उसमें गलती ये थी कि इधर ये डीटी में थोड़ी ना जाएगा, ये माइनस डीटी में चला गया, ये क्या बन गया था डीटी नहीं हुआ सॉरी, ये माइनस के डीटी, तो ये माइनस के डीटी है तो क्या बन जाएगा प्लस बन गया, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो वन बाई के आ गया वन बाई फोर, तो के इक्वल टू क्या जाएगा बोलो फोर, तो इसका फोर आंसर अपन को फिल करना है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन इज लेट एफ आर टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज टू फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आई वन पता है आई टू गिवन है, देन आई वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखें आपको आई वन आई टू की वैल्यू गिवन है और आई वन प्लस टू आई टू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मीनिंग अपन आई वन आई टू में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो तो आप रिलेशंस को लाने की ट्राई करें, उससे बेनिफिट क्या होगा, आपने आई वन की वैल्यू फाइंड कर दी तो आई टू की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो ये जो कंडीशन गिवन है इसको समझो पहले, तो आप जब भी इस टाइप की कंडीशन हो तो इसमें देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसका पीरियडिक चेक कर सकते हैं, जब आप इसमें एक्स को वन अपॉन एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू टू, तो अपन फर्स्ट को सेकंड के क्या कर सकते हैं इक्वल, तो उससे क्या जाएगा एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट, तो एफ एक्स इक्वल टू आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस टू, अल्टीमेटली इस फंक्शन का जो पीरियड है वो क्या होगा बोलो टू, मतलब टू के बाद वैल्यूज को रिपीट करेगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, एफ एक्स का पीरियड अगर टू है तो फोर को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो क्या जाएगा आई वन इक्वल टू तो आ गया फोर टाइम्स ऑफ जीरो से टू एफ एक्स इन टू डीएक्स। सिमिलरली आई टू में लिख सकते हैं आई टू इक्वल टू, ये भी थोड़ा समझ सकते हैं, एक ऑप्शन तो क्या है आप एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस वन से, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं माइनस वन से फोर, अभी समझ जाओगे आप, ये मेथड बन गया ए से लेके ए प्लस एन टी, क्योंकि एन पीरियड टू है तो फोर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस वन कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आई टू कितना आ गया जीरो से फोर एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स का पीरियड अगर टू है तो अपन टू को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो अल्टीमेटली इससे भी क्या आ गया आई टू इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ जीरो से टू एफ एक्स ऑफ डी एक्स। तो देखो आई वन तो आ गया फोर जीरो से टू, तो एक काम करो ना आई टू की वैल्यू पुट कर दो उसमें, आप लिख सकते हो जैसे लाइट, अगर अपन इसको अल्फा मानते हैं, अगर आप इसको लेट करते हो अल्फा, तो आई वन तो आ गया फोर अल्फा, ठीक है, और आई टू क्या जाएगा टू अल्फा, तो क्वेश्चन क्या आ गया आई वन प्लस टू आई टू, तो फोर अल्फा प्लस अल्फा एट अल्फा आंसर आ गया, कितना आ गया बोलो, इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो एट अल्फा, ये रिमेंबर दिस एट अल्फा आ गया। अब अपन एक पार्ट को सोल्व कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो एट अल्फा, और अल्फा का मीनिंग क्या दिस पार्ट, जीरो से टू में एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू को क्या करना है कैलकुलेट, तो इसके लिए देखो अलग से करते हैं, इधर ये सब कुछ हटा दो, अल्फा का मीनिंग क्या है जीरो से टू एफ एक्स ऑफ डी एक्स, इसको अगेन आइलेट किया जीरो से टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी करने की थीम क्या है, देखो आपको गिवन है
एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन, तो इसको एक काम करो वन पे क्या कर दो स्प्लिट, तो उसको अपन लिख सकते हैं आई इक्वल टू जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स प्लस वन से टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करो आप रिप्लेस कर दो एक्स को वन प्लस टी से, इस सेकेंड इंटीग्रेशन में क्या करो एक्स को रिप्लेस कर दो वन प्लस टी से, तो क्या आ गया dx तो आ गया dt, ये आ गया f ऑफ 1 प्लस टी, 1 पुट करने पे 0 और 2 पुट करने पे 1, मतलब अल्टीमेटली मतलब दोनों की लिमिट सेम। ध्यान रखें जब भी इंटीग्रेशन को आप स्प्लिट करो तो ट्राई करो आफ्टर दैट इंटीग्रेशन की लिमिट को सेम लाने की, प्लस क्या जाएगा 1 पे 0 और 2 पे 1 f ऑफ 1 प्लस टी dt, और बाद में t को अपन डमी वेरिएबल से x ले सकते हैं, तो क्या आ गया f ऑफ x dx, दोनों फंक्शन सेम है तो इंटीग्रेशन एक साथ लगा सकते हैं, एक्स प्लस वन था दोनों पे इंटीग्रेशन सेम है तो इंटीग्रेशन को एक साथ लगाओ तो क्या गया जीरो से वन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या होगी टू डी एक्स, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास टू, मतलब अल्फा टू आ गया, तो अल्फा को टू पुट करोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 8 अल्फा इज 16 आंसर आपको फिल करना है। ठीक उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30, लेट एफ माइनस 3 टू 1 आर वी गिवन एज मिनी एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट, देन एरिया बाउंडेड बाय दी एफ एक्स एक्स एक्सिस इज ए देन दी वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू, इस गिवन फंक्शन से और एक्स से जो बाउंडेड बाय एरिया वो कितना गिवन है बोलो ए, तो 6 ए की वैल्यू क्या होगी, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में इसका एरिया क्या करना बोलो कैलकुलेट, तो देखो एरिया को करते हैं कैलकुलेट, पहले इनका सबका डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स की लाइन, एक्स को जीरो लोगे तो वाई सिक्स आ गया और वाई को जीरो पे एक्स आ गया माइनस सिक्स, तो ये लाइन तो आपकी ऐसे ड्रॉ होगी, बट लेना केवल अपन को नेगेटिव पोर्शन में, तो एक्स के पॉजिटिव पोर्शन को हटा देते हैं, ये माइनस सिक्स है अपना और अपन को मतलब है केवल माइनस थ्री से, ये लो ये माइनस थ्री से जीरो आ गया। वाई इक्वल टू एक्स का डायग्राम क्या होगा बट पहला बोला इतना बनाना आगे ड्रॉ नहीं करना है। अब देखो मिनिमम पार्ट, इन दोनों का मिनिमम, ये इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो देखो क्या होगा, दोनों को इक्वल कर दो आप तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस के टू, ये पॉइंट आ गया बेटा माइनस के टू। तो देखो इसमें लिखना क्या अपन को मिनिमम लेना है, तो इसका मिनिमम तो नीचे वाला आ गया और इसका मिनिमम इस पार्ट आ गया, एक तो ये एरिया हो गया और पॉजिट एक्स एक्सिस से बाउंडेड हुआ है, तो एक एरिया तो आपको करना है दिस पार्ट कैलकुलेट, ये वाला सॉरी दिस पार्ट माइनस थ्री से टू और माइनस टू से जीरो, एक रिक्वायर्ड एरिया तो जैसा आ गया, प्लस आगे के लिए देखो क्या करना है, पहले तो बनाओ अगेन y इक्वल टू एक्स का डायग्राम और y इक्वल टू रूट एक्स का डायग्राम कैसे बना, तो ऐसे, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा वन, तो अपन से बोला गया जीरो से वन में मैक्स का मतलब ऊपर वाला दिस कर्व और x एक्सिस से बाउंड्री वाला मतलब ये एरिया अपन को और लिखना है, तो इन तीनों से बाउंड्री वाला एरिया जो को क्या होगा टोटल थ्री, तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया a इक्वल टू ध्यान दे माइनस थ्री से माइनस टू y dx, तो ये लाइन है तो लाइन क्या होगी x प्लस सिक्स प्लस माइनस टू से जीरो दिस कर्व इज x स्क्वायर प्लस जीरो से वन दिस कर्व इज रूट एक्स, तो इसका एरिया अपन को क्या करना है बोलो कैलकुलेट, तो देखो क्या किया x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर वाई टू प्लस सिक्स एक्स लिमिट लगाओगे माइनस थ्री से माइनस टू प्लस इसका क्या होगा बोलो एक्स क्यू वाई थ्री लिमिट ऑफ माइनस टू से जीरो एंड लास्ट थिंग इज रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, तो ये आ गया टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू जीरो टू वन। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम है, तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया a इक्वल टू देखो पहले पुट करो माइनस टू का स्क्वायर फोर अपॉन टू इज टू टू माइनस ट्वेल्व
क्या आ गया बोलो 2 माइनस 12, माइनस ब्रैकेट माइनस 3 लेने पे माइनस के 9/2 और माइनस के 18 प्लस 0 पे 0 माइनस माइनस 2 पे माइनस 8/3 बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो प्लस 0 प्लस 8/3 और लास्ट थिंग की 2/3 1 पे 1 0 पे 1 तो ओनली 1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर देते देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या है ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे 2 माइनस 12 माइनस 10 ये आ गया माइनस माइनस प्लस तो 18 माइनस 10 इज 8 प्लस माइनस माइनस प्लस इज 9/2 प्लस 8/3 प्लस 2/3 तो काम करो ना इसका 6 ले लो एलसीएम तो क्या आ गया 1 बार देखो इसकी कैलकुलेशन सही किया थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कुछ वैल्यूज में गलती की है रखो एक बार माइनस 3 से माइनस 2 पुट करोगे आप 4/2 = 2 माइनस 12 माइनस माइनस 9/2 माइनस 18 प्लस 0 प्लस 8/3 प्लस 2/3 तो ये हो गया ना। हाँ ये तो वैल्यू थोड़ी कुछ अटपटी माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9/2 तो ये आपका क्या होगा माइनस के 9 ठीक है तो 6 एलसीएम लेने पे क्या आ गया 48 माइनस 3 तो 27 ये आ गया 10 दिस इज 10/3 और 32 तो 20 आ गया 20 माइनस 27 माइनस 7 तो क्या आ गया 41/6 दिख गया था अचानक कि प्लस नहीं आना चाहिए तो एरिया आ गया 41/6 आपसे पूछा 6 से तो 6 से की वैल्यू क्या होगी बोलो 41 तो इसका 41 आंसर आपको फिल करना है आपसे पूछा कि देन वैल्यू ऑफ 6 ऑफ ए तो 41 इसका करेक्ट आंसर फिल करोगे इंटीजर टाइप में। उसके बाद देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेट वाई इक्वल टू वाई एक्स बी ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कब जब एक्स 1 से ग्रेटर है और y1 इज 0 मतलब x को 1 लेने पे y आपको 0 गिवन है। इफ द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू e की पावर y y इक्वल टू 0 का मीनिंग x एक्सिस और y इक्वल टू fx इज दिस पार्ट देन द वैल्यू ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से आप कर्व को क्या करोगे फाइंड आउट तो थोड़ा केयरफुली देखो क्या करें dx की टर्म को एक तरफ और dy की टर्म को सेपरेट करो तो इसको उधर शिफ्ट करके जब dx कॉमन लोगे तो क्या आ गया y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx dx को डिवाइड में ले आओ तो क्या आ गया dy dx इक्वल टू y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x देखो इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1 तो इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप क्या करोगे वही सेम प्रोसीजर y को पुट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल ux तो चलो पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इससे क्या जाएगा dy dx की वैल्यू क्या पुट करते हैं u प्लस x ऑफ dy dx देखो जब पुट करोगे तो क्या आएगा y अपॉन x तो क्या जाएगा u प्लस ये आ गया u स्क्वायर सॉरी y को ux तो क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस u स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x x स्क्वायर कॉमन होके x आ गया तो x से x कैंसिल आउट तो क्या आ गया प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के u स्क्वायर u से u कैंसिल तो अल्टीमेटली क्या आ गया x du इक्वल टू रूट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो साथ के साथ dx और वही सेम थीम जब भी आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करोगे तो क्वेश्चन 90% केस में क्या होगा वेरिएबल सेपरेशन में तो दिस पार्ट को इसके डिवाइड में x को उधर राइट साइड में डिवाइड में ले जाओ तो du ओपन क्या आ गया रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू दिस इज dx अपॉन x तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा साइन इनवर्स u सिंपल थीम दिस इज log x प्लस c अब आपको गिवन है x को 1 लेने पे y 0 है पहली बात तो y u की जगह क्या पुट करोगे y अपॉन x तो क्या फंक्शन आ गया साइन इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू ln x प्लस c अब इसमें x को 1 पे y 0 दे रखा है
एक्स को वन लेने पे एल एन वन जीरो, वाई को जीरो लेने पे साइन वन जीरो जीरो, तो सी कितना आ गया जीरो। तो सी को जब आप जीरो पुट करोगे तो फंक्शन क्या आ गया साइन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू, ध्यान दो अगेन ब्लैक बोर्ड पे, फंक्शन के लिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स। साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट करो तो वाई अपॉन एक्स क्या साइन लॉग एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई, तो एक्स साइन एल एन ऑफ, ये अपना फंक्शन आ गया y इक्वल टू x साइन लॉग x। अब दिस कर्व, और बाद में बोला गया x इक्वल टू जीरो x सॉरी x इक्वल टू वन x इक्वल टू e की पावर y इक्वल टू जीरो और दिस कर्व, इन ऑल फोर से आपको बाउंडेड बाय एरिया गिवन है e की पावर तो देखो इन चारों से बाउंड्री एरिया क्या होगा, केयरफुली समझना कि इस एरिया को ड्रॉ कैसे करें। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, देखो आपको वन से लेके ई की पावर पाई से मीनिंग है, ये इधर एक्स इक्वल टू वन होगा और इधर एक्स इक्वल टू ई की पावर पाई। तो देखो एक्स को जब एक्स जीरो से वन लोगे तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, तो चलो छोड़ो एक्स को वन लेने पर लॉग वन जीरो साइन जीरो जीरो, तो जीरो पे वन पे जीरो आ गया, और एक्स को जब ई की पावर पाई लोगे तो एल एन ई की पावर पाई पाई साइन पाई जगह जीरो, मतलब वन पे भी जीरो होगा और जीरो पे जीरो, और ये दिख रहा है अपन को एल एन वन जीरो है और एल एन ई की पावर पाई, मतलब वन से लेके ई की पावर पाई में लॉग एक्स की वैल्यू क्या है जीरो से पाई, और जीरो से पाई में साइन एक्स कैसा फंक्शन है पॉजिटिव, और एक्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मीनिंग इसका जो डायग्राम है रफली इधर आ रहा होगा ऊपर, तो अपन को कर्व दिस और एक्स ये अपन को बाउंडेड बाय एरिया चाहिए, तो ये एरिया ऑटोमेटिक क्या पॉजिटिव, तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया ए इक्वल टू सॉरी वन से ई की पावर पाई एक्स लॉग सॉरी एक्स साइन एल एन एक्स डीएक्स। अब देखो इसको करने की थीम क्या है, इसमें एक काम करते हैं लॉग एक्स को टी पुट करोगे आप, log x को t पुट कर दो dx क्या जाएगा dx अपॉन x आ गया dt, तो देखो क्या किया इसके लिए अपॉन में x लगा दो आप इधर लगा दो x स्क्वायर, तो dx अपॉन x तो आ गया dt, ये बन गया sin t और x की वैल्यू क्या होगी e की पावर t, तो x और क्या जाएगा e की पावर 2t, अल्टीमेटली अपना इंटीग्रेशन आ गया a इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2 ऑफ t sin t ऑफ dt, और लिमिट क्या होगी वन पुट करने पे लॉग वन जीरो और ई की पर पाई पे क्या जाएगा पाई, ये अपन को क्या करना है फर्दर सॉल्व करना है। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान रखें इस इंटीग्रेशन को करने का ऑप्शन क्या आईलेट यूज करोगे आप, क्या यूज करोगे बोलो आईलेट, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी पार्ट है कर सकते हैं इसको, इसमें क्या करना है आईलेट के अकॉर्डिंग ध्यान दो अगेन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको तो कंसिडर करो आप फर्स्ट फंक्शन, इसको करोगे सेकेंड, जब आप इसमें टू टाइम्स क्या अप्लाई करोगे आईलेट फंक्शन तो ये अगेन आपका रिपीट होगा, तो इसको उधर शिफ्ट कर देना, ठीक है, और ये अपन को याद होना चाहिए वैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं अपन, जितना मेरे को आइडिया ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस, ये करके देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, इसमें ए को पुट करना है टू और बी को पुट करना है वन, ठीक है, तो जैसे ही ये पुट करोगे और बाद में लिमिट लगा देना जीरो से लेके पाई, ठीक है, या फिर इसका प्रॉपर मेथड से करवा तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आती है टू स्क्वायर प्लस वन इज वन अपॉन फाइव ई की पावर टू, क्योंकि एक्स को पाई लोगे तो ई की पावर टू पाई प्लस वन आती है, तो इसमें देखो जिस फॉर्मेट में अपन को एरिया गिवन है वो फॉर्मेट क्या है अल्फा ई की पावर टू पाई, तो अल्फा भी वन बाई फाइव होगा और बीटा भी क्या होगा वन बाई फाइव, अल्फा और बीटा अगर दोनों वन अपॉन फाइव है तो अल्फा प्लस बीटा क्या टू अपॉन फाइव, तो अल्फा प्लस बीटा को टू अपॉन फाइव लोगे तो क्या जाएगा आंसर फोर आंसर आपको इसका फिल करना, ठीक है, बस इसमें ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी था, बाकी कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन बोला गया कि इफ द लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स
bisect the area enclosed by the line x equal to 0, y equal to 0, x equal to 3 by 2 and the curve y equal to 1 plus 4x minus 4 of x square. तो देखो क्या करना है इसमें, ये जो कर्व है ये क्या है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसी को ड्रॉ करते हैं. इसमें इसका वर्टेक्स देखो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टेक्स का x equal to minus के b by 2a. तो b को 4 लेना है और a को minus 1, तो ये जाएगा plus k 2. x को 0 लेने पे y बना रहा है, मतलब इसका वर्टेक्स कहीं इधर होगा ऊपर, मतलब इसका अल्टीमेटली डायग्राम बनेगा ऐसे. ये पॉइंट है आपका x equal to 2. अब क्या बोला गया है, ए लाइन. अब सुनो, ये कर्व ड्रॉ हुआ, x equal to 0 का मीनिंग दिस पार्ट, y equal to 0 का मीनिंग दिस पार्ट एंड x equal to 3 by 2. हाँ, x equal to 3 by 2 का मीनिंग दिस पार्ट आ गया, तो 3 by 2 इसके पहले होगी. x equal to 0, y equal to 0, x equal to 3 by 2 दिस कर्व, इन चारों से जो बाउंडेड बाय एरिया वो दिस पार्ट है ना. और क्वेश्चन बोला गया कि दिस एरिया को जो ये लाइन है y equal to mx इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, इसको बाईसेक्ट करती है, मतलब दिस एरिया और दिस एरिया बोथ आर इक्वल. इसको ऊपर कहीं भी लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को, वो एरिया सेम ही होगा. तो देखो इसके अपर पोर्शन का एरिया क्या होगा, ध्यान दो, इसका एरिया, इसको लेट कर देते हैं a1, इसको बोल देते हैं a2. तो क्वेश्चन में मेंशन है बाईसेक्ट द एरिया ऑफ लाइन y इक्वल टू mx. तो a1 एरिया तो क्या होगा, 0 से लेके 3 बाई 2 अपर कर्व पैराबोला. तो क्या गया, 1 प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस लाइन इज mx, ये तो आ गया इसका अपर एरिया. और लोअर एरिया तो सीधे लिख सकते हो, लोअर कौन है, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के एरिया हाफ बेस इनटू हाइट. तो उसका बेस तो कितना है, 3 बाई 2, और हाइट कितनी होगी, जब x को 3 बाई 2 लोगे तो क्या जाएगा, बोलो 3m बाय 2. तो पुट कर देते हैं हाफ बेस इज 3 बाई 2 और हाइट इज m, सॉरी 3m बाय 2. तो ये तो आ गया 9m बाय 8. इसमें क्या करोगे, सिंपल डिफ्रेंशिएट करो, अपर और लोअर लिमिट पुट कर देना, तो m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. चलो कर देते हैं एक स्टेप, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x 4x स्क्वायर बाय 2 का 2x स्क्वायर माइनस के x क्यूब बाय 3 और माइनस के m ऑफ x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगा देना 0 से लेके 3 बाय 2. और सिंपल सा क्वेश्चन है. और देखो जब x लोअर लिमिट पे तो सारा 0 है, केवल अपर लिमिट पुट करनी है, तो डायरेक्ट आपको m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे बेटा, तो इससे m की वैल्यू अचीव होती है 13/6. तो अपन को चाहिए 12m, तो 26 आंसर इसका अपन को क्या करना है, बोलो फिल करना है. ठीक है, चलो बेटा थैंक यू, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.